बेटा प्लीज यू नीड टू कीप योर बैग्स डाउन, यू नीड टू लेट योर फ्रेंड सीट पीछे से कुछ बच्चों को आगे भेजते जाओ। यस, आगे वाले बच्चे थोड़े से ऐसा लग रहा है कि वीआईपी लाउंज में हैं। बेटा यू कैन कम ऑन द फर्स्ट बेंच, देयर इज लॉट ऑफ स्पेस देयर। अतुल टीवी ऑन है सब, प्रोजेक्टर सब सब चल, परफेक्ट। बेटा सेटल ऑन फास्ट, बैठ जाओ फटाफट से। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज कंफर्म आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू। ग्रेट अतुल, आईपैड थोड़ा सा, वन सेकेंड ओरिएंटेशन चेक कर ले, नहीं राइट साइड में रख। हाँ मतलब तुमको कितना मजा आता ना, मेरा दोस्त उधर बैठा है उसको ढूंढ रहे हैं मैं, क्या हो तुम लोग यार, पर सीरियसली ठीक है बेटा, अभी डोर बंद कर दो, बंद कर दो बस। परफेक्ट, चलो ओके। यूट्यूब पे चेक कर ले एक बार आवाज, ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या, बस चेक कर ले। परफेक्ट, फेस टू फेस स्टूडेंट्स कैन वी गेट स्टार्टेड नाउ, कैन वी गेट स्टार्टेड। ओके गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई सेड गुड मॉर्निंग एवरीवन, परफेक्ट थैंक यू। अब आप लोग शांत रहेंगे थोड़ी देर के लिए, लेट मी डू द टॉकिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल, नाउ वी गेट स्टार्टेड विद द सब्जेक्ट। सो आई एम श्योर यू वुड हैव हर्ड लिटिल बिट अबाउट ऑडिटिंग, थोड़ा बहुत सुना होगा बाय नाउ राइट। ओके before we get started, question number 1, how many of you have given your group 1 exam and preparing only for group 2? raise your hands. ab padosi kya dekh raha ho chhod do, honestly batao mere ko. perfect, okay. how many of you are going to write both the groups for the first time in january 25? okay, so I know the majority is with side this time. I'm not talking about 4th June. I'm talking about the attempt. Don't worry about that. अभी के लिए, अरे नहीं चेक करना पड़ता है तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग सेंस कितना है, मतलब ये बस टेस्टिंग चल रहा है फिलहाल अभी। ओके परफेक्ट, आई एम अज्यूमिंग कि आप सब लोगों ने सिंसियरली ग्रुप 1 में अकाउंट्स लॉ टैक्स पढ़ा है, ये मेरा अजम्पशन है, बिकॉज ऑडिटिंग इज अ सब्जेक्ट जहां पर अकाउंट्स का बहुत रेलेवेंस आएगा, लॉ का बहुत सारा रेलेवेंस एंड एप्लीकेशन आने वाला है,
टीटी का थोड़ा आएगा, जीएसटी का कम आता है, फिर भी अप्लाई करेंगे हम कहीं ना कहीं 100%। सी मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग यू नो थोड़ा वेल कंडीशन में हो कि नहीं हो ये इवैल्यूएट करते रहना चाहिए। सो वी विल हैव लॉट ऑफ डिस्कशन अराउंड योर ग्रुप वन सब्जेक्ट्स जो ऑडिटिंग से कनेक्टेड रहता है। सो इट्स अ बाई डिफॉल्ट अजम्पशन कि आप ग्रुप वन का थोड़ा सिंसियरली पढ़ाई करके आए हैं। दैट्स वेयर आई एम गोइंग टू गेट स्टार्टेड विथ। इज दैट क्लियर? परफेक्ट। एक मिनट अतुल, थोड़ा आवाज़ ठीक करना हल्का सा। आई थिंक आवाज़ गूंज रहा है, तो किधर गया एक बार ढूंढना पड़ा। थोड़ा आवाज़ ठीक कर। हाँ, नाउ नाउ वी स्टार्ट विद द सब्जेक्ट दैट इज ऑडिटिंग एंड एथिक्स। बच्चों, ओल्ड सिलेबस में द सब्जेक्ट वॉज कॉल्ड एज ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस। नाउ द न्यू नेम गिवन बाय ICAI इन द न्यू सिलेबस इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग एंड एथिक्स। व्हाई दे हैव चेंज द नेम? एक्चुअली में एथिक्स का रेलेवेंस आपके सिलेबस में कितना है? अतुल आवाज ठीक नहीं है, यू हैव टू सी। हाँ, एथिक्स का रेलेवेंस कितना आपके सिलेबस में वो देखेंगे हम। फिर सर ऑब्वियसली सबसे पहले व्हाट इज ऑडिटिंग फॉर यू, ये हमारा प्राइमा फेशियर डिस्कशन होगा। बिफोर आई टॉक अबाउट ऑडिटिंग आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड, अभी तक सी इन इंडिया एवरी वन नोज वॉट इज ऑडिट, दिस इज वॉट एवरी वन बिलीव। सो इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड कि एज ऑफ नाउ वॉट आर यू रियली थिंकिंग अबाउट ऑडिटिंग वर्ड, ताकि हम एकदम फ्रेश यू नो एकदम स्क्रैच से शुरुआत कर सकते हैं। कुछ आपके बहुत सारे प्री कंसीव नोशंस रहेंगे, थोड़ा आपका इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग रहेगा। मैं ब्लेम नहीं करता हूँ, बिकॉज आपने अभी तक उस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं होगा। यू विल बी स्टडिंग दिस सब्जेक्ट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। ये वर्ड आपने बहुत जगह पे यूज़ किया होगा, या बहुत सारे लोगों ने अपने सब्जेक्ट्स में सेंटेंसेस में यूज़ किया होगा, तो आपको उसका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो सकता है। तो मैं प्राइमा फेसिया जानना चाहता हूँ, वॉट डू यू थिंक अबाउट ऑडिटिंग? आई वॉन्ट फ्यू ऑफ यू दोज हू आर कॉन्फिडेंट कि मुझे पता है ऑडिटिंग का मतलब क्या है, रेज योर हैंड्स, आई विल अलाउ यू टू टॉक। लेट्स सी Anyone who wants to tell me what is the meaning of the word auditing? I don't want an exact definition. I'm not interested in definition. Okay. चेक करना, दैट इज ऑडिटिंग। क्या आंसर था यार, मैंने बोला डेफिनेशन में इंटरेस्ट नहीं है, उससे एकदम शॉर्टकट लगा दिया। वेरी नाइस। एनी वन एल्स? हाँ, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। पूरा डेफिनेशन हो गया, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन। कितने लोगों ने डेफिनेशन सुना हुआ है? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विद अ व्यू टू एक्सप्रेस एन। अच्छा, तुम्हें लॉ में डेफिनेशन पढ़ गया है? हाँ, तुम्हारे लॉ के अंदर बहुत मजेदार चीज है एक। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सेक्शन 138 टू सेक्शन 148। ये पता है मेरे से छीन लिया गया। दिस वॉज अ चैप्टर इन ऑडिटिंग सिलेबस, इंटरमीडिएट एज वेल एज फाइनल। फाइनली ICAI को लगा नहीं, इसको ऑडिट में पढ़ाने का जरूरत नहीं है, बच्चा लॉ में ही सीख सकता है। ठीक है, मैं सिर्फ आपको टेस्ट करूंगा, सीख के तो आप आ चुके हैं, बराबर है कि नहीं है? अरे आप पढ़ के आए 138 से 148। मैं आपको ऐसे ऐसे कॉर्नर कॉर्नर से क्वेश्चन पूछूंगा। अरे आई एम जस्ट ट्रबलिंग यू, डोंट वरी। कुछ कुछ पार्ट इसका ऑडिटिंग सिलेबस में अभी भी है, एंटायर चैप्टर उन्होंने शिफ्ट कर दिया है सिर्फ लॉ के अंदर। बट हाँ, ये सेक्शन अगर आपने पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत तो एक्सटर्नल ऑडिट इंटरनल ऑडिट वर्ड सुने होंगे। सुनाए गए वर्ड्स कभी कभी? पक्का? तो सर वापस से पूछता हूँ सेम क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग एनी वन एल्स? ऑडिटिंग का मतलब अभी तक एक ने बोला एग्जामिनेशन, एक ने कुछ तो डेफिनेशन बोला, कोई और? क्या बात कर रहे हो, इतना सारा लोग है, दो लोग ने आंसर दिया। हाँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करना, इज दैट ऑडिटिंग? सो इज ऑडिट ओनली अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? मैनेजमेंट को चेक करना? नहीं नहीं यू मीन टू से मैनेजमेंट के ऑपरेशंस को, उनके काम को चेक करना, वो भी ऑडिटिंग है? ओके, और डेंजरस सिचुएशन है, स्क्रूटनी है, नया वर्ड है फाइनली। मैं वेट कर रहा हूँ, कुछ तो अलग अलग वर्ड्स आएंगे ना यार। स्क्रूटनी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस को स्क्रूटनाइज करना, अच्छा। एनीवन एल्स? वेरीफाइंग ऑल गिवन इंफॉर्मेशन, ये एकदम परफेक्ट स्कूल लेवल डेफिनेशन। यूजलेस फेलो, ठीक है। तो ऑनलाइन पब्लिक ने बहुत सारा लिखा है, जस्ट एक सेकंड। एग्जामिनेशन ऑफ एवरीथिंग, एक बच्चा ये सेम है, कोई तो तेरा दोस्त मिल गया, चेकिंग, उसने चेकिंग वर्ड लिखा है, टू चेक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल
एक बात समझिए और अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए, मेजोरिटी लोगों को लगता है ऑडिट का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। इट इज नॉट 100% करेक्ट। ऑडिटिंग इज अ ओपन एंडेड वर्ड। इसका मतलब है कोई भी फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को, या आप डेटा बोल सकते हैं जनरल वर्ड्स के अंदर, प्रोसेस बोल सकते हैं, कोई भी एक फ्रेमवर्क है उसे आप इवैल्यूएट करेंगे, एग्जामिन करेंगे, स्क्रूटनाइज करेंगे, इस चीज को जनरली वर्ड ऑडिटिंग बोला जाता है। बट बच्चों मेजॉरिटी लोगों को लगता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना ही ऑडिट होता है, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि ऑडिटिंग के भी बहुत सारे कैटेगरीज एंड टाइप्स होते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, देन यू वुड हैव हर्ड ऑफ अ वर्ड कॉल्ड एज इंटरनल ऑडिट, याद आया क्या? फिर आपने एक सेक्शन 148 पढ़ा होगा, कॉस्ट ऑडिट पढ़ा था क्या? 148 कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड कॉस्ट ऑडिट, वर्ड तो सुना होगा एटलीस्ट, होता क्या है वो बताएंगे आपको, डोंट वरी। सो कॉस्ट रिकॉर्ड्स का रेलेवेंस क्या है, कॉस्ट ऑडिटिंग क्या होता है, वो सेक्शन 148 से आता है। देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टैक्स ऑडिट, हैव यू हर्ड दिस वर्ड टैक्स ऑडिट? फ्रॉम इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू देयर इज अ सेपरेट ऑडिट दैट इज कॉल्ड एज टैक्स ऑडिट। फिर जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ था तो गवर्नमेंट ने एक एप्लीकेशन लाया था जीएसटी ऑडिट करके भी, फिर स्मॉलर एंटिटीज के लिए उसे हटा दिया, वॉलंटरी बना दिया, वो वाला एस्पेक्ट भी ऑडिटिंग कहलाता है। बच्चों आजकल तो दुनिया बहुत आगे चली है, हैव यू हर्ड ऑफ ईएसजी? एक वर्ड सुना है क्या आपने ईएसजी? एनवायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस, कि आपका बिजनेस एनवायरमेंट को कितना इंपैक्ट कर रहा है, सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहा है, बुरा काम कर रहा है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऑडिट होता है, दैट इज कॉल्ड एज ईएसजी ऑडिट। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग ऑडिट एक बहुत जनरल वर्ड है, इसके इतने अलग अलग टाइप्स ऑफ कैटेगरीज हैं, अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं जो हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट हाँ एक बात बोलता हूँ, फर्स्ट डे ही हमारा मेजर सिलेबस, दैट मींस मोर देन 90% सिलेबस इज अराउंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। विच ऑडिट बच्चों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। तो सर ऑडिट का मतलब क्या है? कुछ इंफॉर्मेशन को, कुछ फैक्ट्स को, कुछ डेटा को एग्जामिन करना, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग। इट कैन बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट कैन बी प्रोसेसेस, और आपने वर्ड सुना होगा इंटरनल कंट्रोल्स। और सुना है कैसा कभी इंटरनल कंट्रोल ऑफ अ कंपनी? कभी वर्ड तो सुना होगा, पहले एक जमाने में सब्जेक्ट हुआ करता था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, जिसको ईआईएस बनाया था एंड देन फाइनली रिमूव फ्रॉम द सिलेबस, दैट एक्चुअली टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। अब वो सब्जेक्ट तो रहा नहीं, तो उस सब्जेक्ट का थोड़ा रेलेवेंस उन्होंने ऑडिट में कुछ चैप्टर्स बना के रखा है आपके लिए। सो लिटिल एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रोल्स एंड आईटी हम ऑडिटिंग में ही डिस्कस करेंगे। मतलब सर हमारे सिलेबस में कोर फोकस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट पे है, पर उसके अलावा भी बाकी ऑडिट्स क्या क्या होते हैं उनका एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हमारे सिलेबस में आने वाला है। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? कैन वी गेट स्टार्टेड नाउ? चलो पहली चीज, 90% सिलेबस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट है, तो हमारा मेजर डिस्कशन इनिशियल फेज में कौन से ऑडिट के अराउंड होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट के अराउंड होगा। जब इंटरनल ऑडिट का रेलेवेंस आएगा वी विल टॉक इन डिटेल, जब थोड़ा बहुत टैक्स ऑडिट का रेलेवेंस आएगा उसके बारे में भी आपको बताएंगे, इन द एंड व्हेन आई हैव टाइम मैं आपको थोड़ा ईएसजी के बारे में भी बताऊंगा, बिकॉज वो मेरे हिसाब से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री बन के आएगा, और इंडिया में अभी तक बहुत कम फर्म्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ईएसजी ऑडिट में काम करते हैं, बिकॉज अभी तक एप्लीकेबल नहीं आया है एज पर लॉ। बट आने वाले टाइम में 5 to 7 years ये एक अच्छा इंडस्ट्री बन जाएगा, बहुत अच्छा। इसलिए सीए फाइनल के सिलेबस में वो इंक्लूड भी किया है, इंट्रोडक्शन आपको यहीं पर दिया जाएगा। कैन यू गेट स्टार्टेड? फर्स्ट थिंग, डू यू हैव अ सेपरेट नोटबुक फॉर ऑडिटिंग? है ना? पक्का नहीं है तो आज पड़ोसी से पेज ले लो, कल से मेरे को एक सेपरेट नोटबुक चाहिए। कितना पेज का लेना वो तुम डिसाइड कर लो, एक भर जाएगा दूसरा ले लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एवरेज 200 से 300 पेज का नोटबुक अपने को लगने वाला है। डू यू हैव द नोटबुक्स गाइस? टेक आउट योर नोटबुक्स, इन योर नोटबुक्स गिव अ फर्स्ट हेडिंग। चलिए ऑनलाइन स्टूडेंट्स, पॉपकॉर्न एंजॉय नहीं करना है, तुम भी नोटबुक निकालने का है और चुपचाप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने का है, ठीक है? आज अगर आपके पास नोटबुक नहीं है तो आप अपने पड़ोसी से एक्चुअली में एक पेपर ले लीजिए, घर जाके उसे कंप्लीट कीजिएगा। आई वॉन्ट एवरी वन टू सिंसियरली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस इन द क्लासरूम। ठीक है? ओके, इन योर नोटबुक्स गिव अ फर्स्ट हेडिंग, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नोटबुक गिव अ फर्स्ट हेडिंग, जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
First heading, general purpose financial statements. This is your first heading, general purpose financial statements. Have you heard of this? Kabhi suna aapne general purpose financial statements? Have you heard of financial statements? Pakka. Kya hota hai? What is a financial statement, guys? What is included in the financial statements? Balance sheet aata hai. Financial statement balance sheet aata hai. Accounts ke andar final accounts padh ke aaye ho kya? Schedule 3 ke hisab se. Schedule 3 suna hai? Pakka. Do you know the format of balance sheet, P&L? Pakka. Have you heard of cash flow statement? Have you heard of notes to accounts? Wait. Wait. What is notes to accounts? Anyone? If you know the answer, raise your hand. What is notes to accounts? If you know the answer, raise your hands. सर अब हमारा ऐसा एक्साइटमेंट बढ़ना शुरू होता है बीच के अंदर सडनली अगर रोक देते हैं पहले कुछ दिन आपको रियलिटी चेक देते रहूंगा. हाँ बोलो बेटा. नोट्स अकाउंट्स इज एनेक्सर टू अकाउंट्स. एक एग्जांपल दे क्या आता है नोट्स अकाउंट्स में. हाँ हाँ उसका डिटेल्स अपने को मिलता है. तुम वो सही में सोच रहे हो क्या जो तुमने बनाया होगा पीपीई. तुमने पीपी का नोट्स बनाया क्या? बनाया क्या पीपी का? पक्का? डू यू नो व्हाट इज पीपी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. हैव यू प्रिपेयर्ड अ नोट्स फॉर पीपी? आर यू ट्राइंग टू से वेट इतना इंप्रूवमेंट है प्रेस्टीज में. मैं वो चेक कर रहा है एक मिनट के लिए. रुक जाओ रुक जाओ. आर यू ट्राइंग टू से तुमने ये बनाया है? This is called as property, plant and equipment. And this is the notes to accounts. Have you prepared this? Gross block, net block, addition, changes or deletions. अरे discussion क्या कर रहे हो? या तो कभी देखा होगा या नहीं देखा होगा. एक बात सुनो मेरा बात. इसीलिए देखो आई सिंसियरली रेस्पेक्ट कि आप 3.5 महीने पढ़ के आए हैं बट मैं आपको एक बात बोलता हूं. जनरली जब आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं आप नॉर्मली उस सब्जेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं. इन सब्जेक्ट लाइक ऑडिटिंग यू डोंट हैव टू थिंक ओनली अबाउट अकाउंटिंग. आपको अकाउंटिंग को भी इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. आपको लॉ को भी इवैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है. मतलब यहां पर पहली बार ऐसा होगा रादर देन अ स्टूडेंट यू हैव टू थिंक फ्रॉम अ मेंटर्स पॉइंट ऑफ व्यू और अ एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि आप बैठ के ये बनाने वाले नहीं हैं. ऑडिट के केस में दिस विल बी प्रिपेयर्ड बाय समवन एल्स. आप उसको एग्जामिन करने वाले हैं तो आपको अपना लेंस को चेंज करना पड़ेगा. थॉट प्रोसेस बदलना पड़ेगा. इसके लिए आपको पता होना चाहिए. सिर्फ जब बोलते हैं ना वर्ड कि यार नोट्स टू अकाउंट्स तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा पता है क्या? बैलेंस शीट में एक लाइन आइटम रहेगा उसका अमाउंट के लिए मैंने नोट्स बनाया होगा कैलकुलेशन के लिए. उधर का अमाउंट लेके वहां चले गया होगा. तुमने वही किया होगा ना. इफ यू प्रिपेयर्ड नोट्स दैट मींस नथिंग बट यहां अमाउंट लेके आए यहां से वहां लेके चले गए. बराबर है ना. ये छोटा सा पार्ट है नोट्स टू अकाउंट्स का. नोट्स टू अकाउंट्स इन रियलिटी उससे काफी बड़ा कॉन्सेप्ट होता है. रादर आपको बताएंगे जब आप किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हैं तो एक्चुअली में बैलेंस शीट पीएनएल उतने इंपॉर्टेंट होते ही नहीं है जितना इंपॉर्टेंट नोट्स टू अकाउंट्स होता है. बिकॉज आपको सही सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमेशा नोट्स टू अकाउंट से आएगा. बैलेंस शीट पीएनएल इज जस्ट अ फॉर्मेट. वहां तो सिर्फ नंबर्स लिखे हैं. बट अगर बैलेंस शीट देख के आप बोलते हैं कि इसकी बैलेंस शीट में एसेट के अंदर इन्वेंटरीज 1000 करोड़ दिख रहा है ये अच्छा है कि बुरा है. You can't give the answer. उसके लिए मुझे पता होना चाहिए इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होता है. उसके लिए मुझे पता होना चाहिए इन्वेंट्री में रॉ मेटेरियल कॉम्पोनेंट कितना है, WIP कितना है, फिनिश गुड्स कितना है, कंज्यूमेबल्स कितना. समझ रहे क्या मतलब? विदाउट दिस एक्सट्रीम इंफॉर्मेशन आप कभी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकते हो. एंड ध्यान रखिएगा मेरा बात, आप जिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एंटर करेंगे एक
हाफ हार्टेड आंसर विल नेवर विन एन आर्ग्यूमेंट फॉर यू. आपको लिटरली इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. इसके लिए आपको थोड़ा सा अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा. जब कोई आपको पूछे नोट्स टू अकाउंट्स, ये मत सोचना ये टोटल मिलाकर के अमाउंट वहां मैच हो जाएगा सर. डोंट थिंक लाइक दिस. ये सोचना वो नोट्स टू अकाउंट्स बनाया क्यों जा रहा है, उसके रेलेवेंसी क्या है, इसके लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि नोट्स टू अकाउंट्स में देखने के लिए फर्स्ट नोट ये है, पर एक्चुअली में फर्स्ट नोट ये नहीं होता है. आई विल टेल यू देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. क्या होता है बच्चों, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे. अभी के लिए नोटबुक में जाइए, यू विल सी अ हेडिंग आपने लिखा होगा जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. इसका मतलब है आपके कंट्री में नॉर्मली कंपनीज जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. राइट डाउन अंडर जनरल पर्पस पॉइंट नंबर ए बैलेंस शीट. लिखिए उसके अंदर पॉइंट नंबर ए बैलेंस शीट. मतलब जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एक चीज आएगा, दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस शीट. आई एम श्योर आप सबने बैलेंस शीट तो एटलीस्ट सुना होगा और देखा होगा. ये चीज मैं डिसएग्री नहीं करता हूं. आई एम श्योर ये मेजोरिटी ऑफ यू would have seen how a balance sheet looks like as per Schedule 3. हाँ मैं मानता हूँ आपने पहले वो T format पढ़ा होगा asset liability वाला, बाद में Schedule 3 का format पढ़ा होगा intermediate में. Can I assume that guys? So this is balance sheet. उसमें कुछ great चीज नहीं है, आपको सब चीजें पता है. उसका थोड़ा application, how to check balance sheet आगे जाकर के आएगा. आज सिर्फ introduction है कि financial statement क्या होता है. Is point very clear to you? Write down point number B. और क्या आएगा financial statement में? Will there be a profit and loss account? Write down statement of P&L. Statement of P&L. Statement of P&L. मतलब सर financial statements will include balance sheet. Number two is profit and loss account. Have you heard of cash flow statement guys? I'm sure intermediate में आप पढ़ के आए होंगे. दोनों method समझ में आए होंगे आपको ideally. तीन activities समझ में आई होगी. पता है ना? Write down number three. That is called as cash flow statement. Number three is called as कैश फ्लो स्टेटमेंट. नंबर फोर लिखिए नोट्स टू अकाउंट्स. नंबर फोर लिखिए नोट्स टू अकाउंट्स. नोट्स टू अकाउंट्स के ब्रैकेट्स में लिखिए नोट्स टू अकाउंट्स. उसके ब्रैकेट्स में लिखिए इट इंक्लूड्स. लिखिए इट इंक्लूड्स सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. इट इंक्लूड्स सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज. It includes significant accounting policies. यहीं पे hold कीजिए, थोड़ा discussion करते हैं. आपको एक basic overview देते हैं, हालांकि इसका detailed discussion आगे होने वाला है respective chapter के अंदर. Hear me out. Significant accounting policies का मतलब होता है, अगर मैं एक company के financial statements को समझना चाहता हूँ, review करना चाहता हूँ, examine करना चाहता हूँ, तो मुझे ये पता होना चाहिए company ने accounting करते वक्त, company ने accounting करते वक्त कौन कौन से accounting policies and methods को follow किया है. क्या follow किया है? Policies and methods को follow. For example, आपने थोड़ा accounting standards पढ़ा होगा. थोड़ा क्या, बहुत सारा पड़ा होगा सर. एक अच्छा चीज है, इंटर में फाइनली बहुत सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, लिटरली ऑल एएस. अरे बराबर है क्या? नहीं है. बट यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इंडेस आल्सो. क्या आपको इंडेस पढ़ाया है? क्या क्यों नहीं पढ़ाया सर? सिलेबस में नहीं है, फाइनल में, इसलिए नहीं पढ़ाया. या इसे का गलती है मेरे हिसाब से. क्यों आप सर कहें को इंटर का सिलेबस बढ़ा रहे हो? वैसे भी अकाउंट का सिलेबस कम है क्या? देखो अभी ये आर्ग्यूमेंट ना यहाँ नहीं करते, ये आर्ग्यूमेंट 5-6 महीने बाद में करेंगे. तुम एग्जाम खत्म कर लेना, आर्टिकल शिप शुरू करना. जब काम करने के लिए किसी फर्म में जाओगे, उसने तेरे को एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए भेजा. वो कंपनी ने बोला भाई मैं लिस्टेड कंपनी है, आई फॉलो इंडेस. वो क्या बोलेगा? आई फॉलो इंडेस. तू क्या बोलेगा? आई डोंट नो इंडेस. ये तेरी प्रॉब्लम है कि कंपनी की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम दोनों की है, बट तेरे लिए सीरियस प्रॉब्लम है कि नहीं है? उसको बोलेगा क्या? सर आईसीआई के सिलेबस के हिसाब से इंटर में हमें नहीं सिखाया गया है. उसको फर्क पड़ता है क्या? प्रॉब्लम समझ में आया क्या? मतलब तेरे को सिखाया तो नहीं है, बट तेरे से एक्सपेक्टेशन है कि तू इंडेस के बेसिस पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगा उसे चेक करने के लिए जाएगा. तो उसे पढ़ाएगा कौन? खुद पढ़ेगा तू? एएस पढ़ाया है ये अजम्पशन के साथ में, जब तू इंडेस का एप्लीकेबिलिटी खुद से आर्टिकलशिप में देखना शुरू करेगा तो यू विल स्टार्ट सेल्फ रीडिंग. हाँ You have to do that. So I'm just trying to say, आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा. आपको हर चीज स्पून फीडिंग के फॉर्म में नहीं मिलने वाली है.
और आप ध्यान रखिएगा एक चीज, जब हम बोल रहे हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में, तो पहले कंपनी के बैलेंस शीट या पीएनएल को देखते हुए, नोट्स टू अकाउंट्स को देख के समझना कंपनी ने एएस फॉलो किया है या इंड एएस। बिकॉज अगर इंड एएस फॉलो किया है तो आपको इंड एएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्हें इवैल्यूएट करना पड़ेगा, और अगर एएस फॉलो होगा तो ऑब्वियसली एएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इवैल्यूएट करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं एएस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां पर वो नहीं मिलेंगे बिकॉज ये रिलायंस है, मार्केट कैप के सबसे इंडिया में नंबर वन है। You know what is a market cap? What is a market cap? Market cap is a value. That value is arrived by total number of shares outstanding multiplied by market price per share. It represents the value of a company. It represents the value of a company. हम बात कर रहे हैं RIL के बारे में, जिसका value 19 to 20 lakh crore है। मार्केट कैप इज 19 टू 20, इट कीप्स ऑन चेंजिंग बिकॉज मार्केट प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, ऑब्वियसली सर इस कंपनी के लिए क्या फॉलो किया गया है, इंड एएस फॉलो किया गया। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है, यहां के बहुत सारी चीजें शायद आपको समझ में नहीं आएगी, बट आपको यह समझना चाहिए, चाहे वो इंड एएस हो या एएस हो, चाहे वो इंडियन गैप हो, सुना क्या वर्ड इंडियन गैप, या चाहे वो यूएस गैप हो, कुछ कुछ चीजें कॉमन होती है, मतलब जो आपका स्ट्रक्चरिंग है वो कभी अलग नहीं होता है। तो नोट्स टू अकाउंट सबके लिए सेम ही होता है, इट्स जस्ट दैट द कंटेंट इनसाइड कैन वेरी, बट द रेलेवेंस ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज विल रिमेन सेम। मतलब क्या है सर, सिंपल शब्दों में अगर मुझे जानना है कंपनी ने अपना रेवेन्यू रिकॉग्निशन कैसे किया है, मुझे यहां पे आना पड़ेगा। अगर मुझे जानना है कंपनी का डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग पॉलिसी क्या है, मुझे यहां पे आना पड़ेगा। हैव यू हर्ड ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, कंपनी कैसे इंपेयरमेंट असेसमेंट करता है, उसके लिए उनका अप्रोच क्या है, मुझे यहां पर आना पड़ेगा। हैव यू हर्ड ऑफ लीजेस, ऑपरेटिंग लीज, फाइनेंस लीज, सुना है क्या सर, कंपनी लीज का अकाउंटिंग कैसे करता है, मेरे को उसके लिए यहां पे आना पड़ेगा। कंपनी बोरोइंग कॉस्ट को कैसे ट्रीट करता है, मेरे को यहां पे आना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे होता है, मेरे को यहां पे आना पड़ेगा। मतलब सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स या इंड एएस हैं, उनको आपने कैसे अप्लाई किया है आपके बिजनेस में, उसका समरी आपको यहां लिखना होता है। दिस इज कॉल्ड एज सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज है जो हम लोगों ने क्या किए हैं, फॉलो किए हैं, अडेप्ट किए हैं एज अ कंपनी। बिना इनको रीड किए बैलेंस शीट पीएनएल पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं है। बैलेंस शीट पीएनएल पढ़ने से हमेशा पहले अपने कहां जाना चाहिए, नोट्स टू अकाउंट्स। नोट्स टू अकाउंट्स में पहला नोट देखिए, देखो बच्चों क्या दिख रहा है, कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन। ये एकदम टाइम पास है, मतलब आरआईएल का कोर बिजनेस क्या है, आरआईएल का रजिस्टर्ड ऑफिस किधर है, एकदम बेसिक सा डिटेल कंटेंट है। ये ग्रेट नहीं है, इससे ज्यादा डिटेल आपको एनुअल रिपोर्ट में कहीं और मिल जाएगा। नंबर टू, कैन यू सी अ वर्ड सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज, ये यहां से लेकर के लिटरली आने वाले कुछ पेजेस तक सिर्फ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज रहेगा, टिल हियर, यहां तक। उसके बाद कैन यू सी एक हेडिंग क्रिटिकल अकाउंटिंग जजमेंट्स, एंड एक वर्ड दिख रहा होगा एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी। प्रोविजन सुना है क्या, प्रोविजन सुना है क्या, प्रोविजन के लिए एक फैंसी वर्ड होता है, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और जब भी आप प्रोविजन बनाते हैं कुछ अनसर्टेनिटी होती है, जब भी आप प्रोविजन बनाते हैं कुछ, अरे 100% श्योर होते तो प्रोविजन क्यों बनाते ना यार, डायरेक्टली एडजस्टमेंट ही कर लेते ना यार। अरे हाँ या ना, प्रोविजन क्यों क्रिएट किया, क्योंकि एग्जैक्ट अमाउंट कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। फिर आपने पढ़ा होगा डिफरेंस बिटवीन प्रोविजन एंड कंटिजेंट लाइबिलिटी, AS 29 पढ़ गया है क्या, उसका रेलेवेंस भी आएगा। मतलब नोट्स टू अकाउंट्स में आपको एक्चुअली में कंपनी अकाउंटिंग कैसे करता है वो पढ़ने के लिए मिलेगा। इसीलिए हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नॉर्मली शुरुआत कहां से करना चाहिए, नोट्स से। नोट्स में सबसे पहले क्या पढ़ना चाहिए, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। इतना समझा क्या, कुछ कुछ अकाउंटिंग पॉलिसीज जहां हम रेलेवेंट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे उनसे कनेक्ट करके आपको पढ़ाते जाएंगे। आज सिर्फ ओवरव्यू देना है कि हम एक्चुअली सब्जेक्ट में पढ़ने वाले क्या हैं। इस पॉइंट नंबर ए बी सी डी क्लियर टू यू, वापस आइए पढ़िए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको मिलेगा देखने के लिए बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट। नंबर फोर दिस नोट्स टू अकाउंट्स। याद रखना, अगर कोई पूछेगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी तो बोलना इट इज पार्ट ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स, इट इज पार्ट ऑफ नोट्स टू अकाउंट्स। राइट डाउन पॉइंट नंबर ई, दैट इज फिफ्थ पॉइंट। चार चीजें आपने लिखी है, एक चीज और आती है, क्या आता है भाई, हैव यू हर्ड ऑफ SOCE, इट्स कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एक वर्ड आता है दैट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ
चेंजेस इन इक्विटी। एक बार जरा सेंटेंस को पढ़िए, हैव यू एवर हर्ड ऑफ दिस एसओसी? कितने लोगों ने सुना है एसओसी? सुना है एटलीस्ट। सर फाउंडेशन में क्या, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब पढ़ रहे थे ना तो पांच चीजें थी तुम्हारे सिलेबस में, फाउंडेशन में भी था ये, इंटर में तो है ही है ऑब्वियसली। व्हाट इज एसओसी? एनीवन? मेरे सिलेबस में नहीं है कुछ भी ये सब, मेरे को तो ऑडिट पढ़ाने का ना, अकाउंट थोड़ी पढ़ाने का। अरे यू आर इन ऑडिटिंग क्लास, बराबर है ना? आई डोंट टू टीच यू अकाउंट्स। बोलो एसओसी क्या? वेरी गुड, एक्चुअली सही बोला उसने, परफेक्ट, आई एम इंप्रेस्ड। सुनिए, जब मैं बैलेंस शीट देखता हूं, हियर मी आउट, क्यों है ये रेलेवेंट और क्यों आपको ये एक्चुअली में फाइनल में पढ़ाया जाएगा, सब आपको बताता हूं। दो मिनट सुनिएगा मेरा बात शांति से। इफ आई कम टू बैलेंस शीट, इन माय बैलेंस शीट लुक एट द इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड, कैन यू सी इक्विटी शेयर कैपिटल एंड देन कैन यू सी वर्ड अदर इक्विटी, कैन यू सी इट इज कमिंग फ्रॉम नोट नंबर 14 एंड नोट नंबर 15, दिख रहा है क्या हमें? कंपनी के बैलेंस शीट में है जहां पर हमने इक्विटी एंड अदर इक्विटी का अमाउंट देखा है, इट्स ऑल इन करोर्स। ये स्टैंड अलोन, अभी टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी होते हैं, एसएफएस, सीएफएस, आएंगे आएंगे, विल कम एवरीवेयर, डोंट वरी। अभी के लिए ये नंबर्स कहां से आ रहे हैं बच्चों? कोई ना कोई नोट से आ रहे हैं ना। नॉर्मली सुनिए मेरा बात, जब आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा तो आपके रिजर्व सरप्लस का एक नोट बना लिया होगा आपने, क्या बना लिया होगा? रिजर्व सरप्लस का एक नोट बना लिया होगा, और इक्विटी का अपने एज इज उठा लिया होगा डायरेक्टली। कुछ लोगों ने नोट बनाया होगा, कुछ लोगों को नोट बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड अमाउंट रहेगा, बराबर है कि नहीं? क्या रियलिटी में कंपनी के केस में ऐसा होता है क्या? कितने कैटेगरी ऑफ रिजर्व्स होते हैं? अरे देयर आर एन नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिजर्व्स, बराबर है कि नहीं है? और रिजर्व्स के अंदर मूवमेंट भी होता है। सुनिए, आपने कभी बचपन में ये सुना होगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ओपनिंग बैलेंस प्लस एडिशन लेस डिलीशन गिव्स यू क्लोजिंग बैलेंस, बराबर है कि नहीं है? ये सेम चीज हम बैलेंस शीट में फॉलो करते हैं, कि बैलेंस शीट में हमारे पास में अगर ओपनिंग बैलेंस 100 है, करंट ईयर में एडिशन 10 का है और डिलीशन 20 का है, तो नेट अमाउंट कितना आ जाएगा? कैन आई से 90 आ जाएगा क्या? कैन आई से 90 चेक करने के लिए मेरे को पहले देखना पड़ेगा ये 100 सही है क्या? अरे वो 90 का अमाउंट चेक करने के लिए 100 चेक करना पड़ेगा, 10 चेक करना पड़ेगा, 20 चेक करना पड़ेगा, तब जाके 90 पे कंफर्ट आएगा। डायरेक्टली 90 को चेक ही नहीं कर सकता हूं मैं। अरे हाँ या ना? सुनिए, तो एक स्टेटमेंट बनाने के लिए बोला, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, स्टेटमेंट जिसमें मुझे पता चलेगा इक्विटी में क्या बदलाव आया है पूरे साल भर में, इक्विटी में क्या बदलाव आया है पूरे साल भर में। ये एज पर शेड्यूल 3 जो आप नॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हो उसमें नहीं आता था, उसमें हम एसओसी ही बनाते ही नहीं है, इसीलिए बैलेंस शीट में चार चीज दिखती है। अगर आप प्राइवेट कंपनी का यू नो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाएंगे क्या मिलेगा आपको? बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, खत्म। आपको एसओसी ही मिलेगा ही नहीं। आपको एसओसी किधर मिलेगा? लिस्टेड कंपनीज में आपको एसओसी कहां मिलेगा? लिस्टेड, क्योंकि एसओसी कम्स विथ इंडेस, एसओसी कम्स विथ इंडेस। आई विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल हाउ इट वर्क्स। अतुल वॉइस, हेलो, आइए थोड़ा आपको एक ओवरव्यू देते हैं। सर अभी तक आपने ऑडिट का डेफिनेशन नहीं पढ़ाया, बताएंगे, डोंट वरी, सही समय आएगा। अभी बात सुनिए मेरा बात शांति से। हैव यू हर्ड ऑफ समथिंग कॉल्ड एज इंडियन गैप? देखो बच्चों, मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बोलता हूं, हर सब्जेक्ट को ना पढ़ाने का एक तरीका होता है, एंड आपने हर साल तरीका बदलना नहीं चाहिए। मेरा तरीका 2014 से ऐसा ही है। जब आईसीए का सिलेबस अलग था तब भी मुझे लगता है ऑडिट ऐसे पढ़ाना चाहिए था, जब आपका ओल्ड सिलेबस था तब भी मेरे को ये लगता था, नया सिलेबस है तब भी ऐसा लगता है। सर मतलब आपको चेंज पसंद नहीं है? नहीं, मुझे चेंज पसंद है, पर मेरा सोचने का तरीका पहले ही सही था ऐसा मेरे को लगता है। मैं एरोगेंट नहीं हूँ, मेरा सोचने का तरीका था हमेशा से, बिकॉज मुझे इन जनरल अपने काम के दौरान ऐसे ही पढ़ाया गया। दिस वॉज ऑलवेज द अप्रोच ड्यूरिंग माई यू कैन से वर्क एक्सपीरियंस। यही अप्रोच मुझे लगता है अगर बच्चों ने हमेशा फॉलो किया तो आपका दिमाग खुला रहेगा, आपको डर कम लगेगा, समझेगा ज़्यादा, और फिर अल्टीमेटली आप एग्जाम के लिए अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे। एग्जाम के लिए प्रिपरेशन
सिर्फ बुक से नहीं होता है, पहला माइंड सेट प्रिपरेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। यस वी नीड टू रेफर बुक्स, वी विल रेफर बुक्स, आपका ICI मॉड्यूल का एक भी लाइन नहीं छोड़ेंगे, डोंट वरी, आई विल गिव यू गाइडेंस इन द एंड हमारा अप्रोच कैसे होगा। पर अभी ना वो सब्जेक्ट का रेलेवेंस समझने का ट्राई करो, ये सोचो ही मत कि मेरे को एग्जाम में क्या करने का है, 100 मार्क के पेपर में MCQ को कितना है, 70 मार्क का क्या करना है, सब बताऊंगा, ये सब लिख के लाए तुम्हारे लिए, सब बता दूंगा, ठीक है। अभी उसका टेंशन मत ले, वो काम की चीज नहीं है, काम की बात दूसरी है अभी, मतलब दैट इज एक्चुअली नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज जस्ट लाइक अ इंस्ट्रक्शन, अगर आपको लिख करके दिया तो भी समझ जाएगा तुमको यार, काहे को मैंने उस पर आधा घंटा वेस्ट करना चाहिए। लास्ट में पहले काम की बात, हैव यू हर्ड ऑफ अ वर्ड कॉल्ड एज इंडियन गैप, हैव यू हर्ड द वर्ड गैप बच्चों, व्हाट इज गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स, रेफरेंस के प्रिंसिपल्स इज अ रियल वर्ड, मतलब सर एक कंट्री में, व्हेन आई से आई गैप मतलब इंडियन गैप, मतलब इंडिया में एक कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगा, एक कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएगा तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कैसे प्रिपेयर करेगा, उसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं, कुछ फ्रेमवर्क बनाया है, वो रूल या फ्रेमवर्क कहलाता है गैप। क्या कहलाता है? गैप। अगर वो इंडिया की बात करेंगे तो वो कहलाएगा इंडियन गैप। ऐसा ही रूल्स यूएस में भी होगा तो कहना इसे दे विल यूज द वर्ड यूएस गैप। ऐसा ही फ्रेमवर्क नेदरलैंड में भी होगा, वो बोलेंगे नेदरलैंड गैप, कंट्री है वो एक। आयरलैंड के अंदर भी रहेगा, वो आयरलैंड गैप बोलेगा, कहना इसे यूके अपना खुद का गैप बोलेगा, बराबर है कि नहीं है। हर कंट्री का अपना रूल्स होता है कि हमारे कंट्री में जो बिजनेसेस हैं, जो कंपनीज हैं, वो लोग अकाउंटिंग कैसे करने वाले हैं, उसके लिए नॉर्मली वर्ड यूज होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, दैट इज कॉल्ड एज आई गैप। आई गैप हियर रेफर्स टू इंडियन गैप, समझा क्या? नॉर्मली जब हम बोलते हैं आई गैप तो इंडिया में इसका मतलब होता है AS प्लस शेड्यूल 3। क्या मतलब होता है बच्चों? AS प्लस शेड्यूल 3, सुनिएगा मेरा बात, इसका मतलब होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड शेड्यूल 3। ये नॉर्मली बोला जाता है इंडियन गैप है। क्या होता है? इंडियन मतलब सर अकाउंटिंग करने के प्रिंसिपल्स आएंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, बैलेंस शीट PNL का फॉर्मेट आएगा शेड्यूल 3 से, वापस से अकाउंटिंग करने के प्रिंसिपल्स कहां से आएंगे? AS से, एंड फॉर्मेट फॉर बैलेंस शीट PNL कहां से आएगा? शेड्यूल 3 से। फॉर्मेट के साथ साथ में कुछ एडिशनल डिस्क्लोजर्स भी आते हैं। क्या आते हैं? एडिशनल आपने शेड्यूल 3 पढ़ा होगा एज अ चैप्टर इन अकाउंट्स, आपको ट्रेड पेएबल का डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट पढ़ाया होगा, रिसीवेबल का डिस्क्लोजर पढ़ाया होगा, PP पढ़ाया होगा ना, और शेड्यूल 3 मतलब लॉ हो गया तो तुम्हारे लिए कंपल्सरी अप्लाई करने का जरूरत है कि नहीं है? अरे हाँ या ना। तो कहना इसे ये दोनों चीजों का मर्जर हमारे लिए क्या कहलाएगा? इंडियन गैप। क्या कहलाएगा? इंडियन गैप। सब कुछ अच्छा था, हम यही फॉलो करते थे। अब दुनिया में दूसरा बड़ा गैप है एक, दैट इज कॉल्ड एज US गैप। क्या है? US गैप। एंड तीसरा गैप है, दैट इज कॉल्ड एज IFRS। हैव यू हर्ड द वर्ड IFRS? व्हाट इज IFRS? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। क्या होता है बच्चों? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। अब लोगों ने बोला इंडियन कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी कंपेरेबल विथ अदर कंट्री के कंपनीज, फॉर एग्जांपल आर इंडियन IT कंपनी का नंबर्स शुड बी कंपेरेबल विद द UK IT कंपनी का नंबर्स। मतलब दोनों में हम कंपेरिजन कैसे करेंगे? देखो आज हम क्या बोलते हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स हर जगह से आना चाहिए। अरे इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कहां से आना चाहिए? हर जगह से। तो एक बात सोचो ना, समवन हु इज अ इन्वेस्टर बेस्ड आउट ऑफ सिंगापुर, वो कैसे डिसाइड करेगा इंडियन IT कंपनी में इन्वेस्ट करूं या UK की IT कंपनी में इन्वेस्ट करूं? ये डिसीजन लेने के लिए वो दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालेगा, वो दोनों का बिजनेस का फ्रेमवर्क निकालेगा, ऑब्वियसली मैनेजमेंट से भी मिलेगा, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देखेगा कि नहीं देखेगा? अगर दोनों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपेरेबल ही नहीं हुए तो डिसीजन मेकिंग कितना टफ हो जाएगा। तो हम चाहते थे हमारे स्टैंडर्ड्स थोड़े ग्लोबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? थोड़े ग्लोबल। इसीलिए हमने बोला ग्लोबल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो क्या कहलाता है? IFRS कहलाता है। तो इंडिया के पास दो ऑप्शन थे, चुपचाप IFRS को एज इट इज अडॉप्ट कर लो। अगर IFRS एज इट इज लिया तो ये खत्म हो जाएगा, IFRS एज इट इज लिया तो ये खत्म हो जाएगा। हमने बोला नहीं, हर कंट्री अलग होता है, IFRS एज इट इज एक्सेप्ट करना हमारे लिए शायद सही नहीं होगा। तो हमने क्या बोला, क्यों ना हमारे AS को थोड़ा हम कन्वर्ज कर दें विद IFRS, मतलब जहां जहां रिक्वायरमेंट है वहां बदलाव लेकर के आ जाए। तो हमने इंडिया में अपने AS को IFRS के हिसाब से बदलते हुए एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना दिया, दैट इज कॉल्ड एज इंड AS, दैट इज कॉल्ड एज इंड AS। सुनना, AS और शेड्यूल 3 के हिसाब से ओरिजिनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में चार ही चीजें आती थी। क्या क्या? बैलेंस शीट,
पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स। इंड एस ने बोला इसके साथ साथ में आएगा SOCE। तो जिस कंपनी ने इंड एस फॉलो किया है उसके बैलेंस शीट के साथ में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स एंड स्टेटमेंट ऑफ, मतलब क्या ना इसे ये सब कंपनी में क्यों देखने को नहीं मिलता है, ये आपको कहां देखने को मिलेगा नॉर्मली, जो कंपनीज इंड एस फॉलो करती है। क्या फॉलो करती है बच्चों, इंड एस। अब ये इंड एस क्यों बनाया, ताकि हमारा अकाउंटिंग का करने का तरीका ग्लोबल स्टैंडर्ड से मैच करे। किससे मैच करे, ग्लोबल स्टैंडर्ड से, ताकि बाहर से इंडिया में पैसा इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में आसानी से लेके आ सकते हो, बाहर के कंपनीज इंडिया के कंपनीज को इवेल्युएट कर सकते हैं कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। थोड़ा बात समझ में आया क्या, दिस इज कॉल्ड एज स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। कुछ नहीं, सिंपल शब्दों में अगर मैं इतना कहानी ना बताऊं तो मैंने बोलना चाहिए एक स्टेटमेंट बनाओ जिसमें बताओ इक्विटी का ओपनिंग बैलेंस क्या है, क्या एडिशंस हुआ है, क्या डिलीशंस हुआ है, क्या क्लोजिंग बैलेंस है, रिजर्व्स इन सरप्लस, अलग अलग कैटेगरी याद है, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सुनोगे आपने अलग अलग कैटेगरीज, आपके रिजर्व्स का ओपनिंग बैलेंस क्या है, एडिशन क्या है, डिलीशन क्या है, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, ये स्टेटमेंट कहलाता है एसओसी। स्टेटमेंट बनाना बहुत आसान काम है, बट स्टेटमेंट क्यों लाया गया ये समझना इंपॉर्टेंट है। अरे बात समझ में आया क्या, मतलब स्टेटमेंट प्रिपरेशन में तो 5 स्टेप है, तुमको 5 स्टेप सिखाऊंगा, तुमको नंबर्स मिलेंगे, तुम बनाओगे, तुम्हारा आंसर मैच हो जाएगा। अरे पर किसी ने पूछा एसओसी क्यों आया, क्योंकि सर इक्विटी में क्या बदलाव हो रहा है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज हमारा जो कोर बिजनेस ओनर्स है वो अपने इक्विटी की कंपोनेंट साथ में कितना छेड़छाड़ कर रहा है मेरे को समझना चाहिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी अ न्यू इन्वेस्टर इन अ कंपनी, आई शुड नो इक्विटी कंपोनेंट्स आर गोइंग अप और डाउन, वो डिविडेंड कितने डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने आपको मेरे को पता होना चाहिए, वो किस रिजर्व का इस्तेमाल किसके लिए कर रहा है ये समझना चाहिए। एक बात सोचो, आपके धंधे का पूरा पैसा इकट्ठा होकर कहां जा रहा है, रिजर्व में, अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर रहा हूं सारा पैसा इकट्ठा होकर कहां जा रहा है, रिजर्व में, कैन आई से द रियल अर्निंग ऑफ पास्ट इज सिटिंग इन रिजर्व्स, think about it, real earning of past is sitting in reserves, where I use the reserves tells me what I'm doing with my business, where I use my reserves tells me what I'm doing with the business, if I'm just playing around with the reserves that means I'm not serious about the business, if I'm using the reserves for right purposes to mujhe lagega dhanda bilkul sahi direction mein kaam kar raha hai, to mera decision making us pe dependent hua ki nahi ho bhai, इसीलिए बोलते हैं पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इनकम्प्लीट थे, एसओसी आने के बाद में क्या हो गए, कंप्लीट, क्योंकि इक्विटी का मूवमेंट भी आपको अब समझ में आएगा। सर क्या मेरे सिलेबस में एसओसी है, नहीं, क्या हमें ऐसा कुछ लिखना है, नहीं, क्या आपको पता होना चाहिए, हाँ, क्योंकि जब आप काम करने जाएंगे वो आपके सिलेबस के हिसाब से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। इज दैट क्लियर टू यू, समझा गया, नोटबुक में जाइए, राइट डाउन एलिमेंट नंबर 5, आपने लिखा क्या ऑलरेडी, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ब्रैकेट्स में लिखिए, उसके ब्रैकेट्स में लिखिए, रेलेवेंट फॉर कंपनीज, एसओसीई के ब्रैकेट्स में लिखिए, रेलेवेंट फॉर कंपनीज फॉलोइंग इंड एएस, रेलेवेंट फॉर कंपनीज फॉलोइंग इंड एएस, रेलेवेंट फॉर कंपनीज फॉलोइंग इंड एएस। समझ में आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अरे तुमको पहले से पता था, हम तो अकाउंट से पढ़ के आए हैं, बराबर है ना, आगे जाऊं क्या, कैन आई प्रोसीड, कैन आई प्रोसीड, चलो मुझे एक बात बताओ बच्चों, आप लोगों ने कभी एनुअल रिपोर्ट देखा है किसी भी कंपनी का, इट्स अ गुड रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट इज अ एनुअल रिपोर्ट, अगर आपको नहीं पता है तो इट्स लाइक अ रिपोर्ट कार्ड ऑफ अ कंपनी, एट द ईयर एंड आप एक डिटेल्ड रिपोर्ट बनाते हैं एज अ कंपनी, जिसमें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं प्लस बहुत सारे और रिपोर्ट्स आते हैं, एग्जाम्पल आपके ऑडिटर का रिपोर्ट आएगा, आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिपोर्ट आएगा, क्या आएगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिपोर्ट, एट द सेम टाइम आप एज अ बिजनेस फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं उसका रिपोर्ट आएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिपोर्ट आएगा, हैव यू हर्ड द वर्ड बीओडी रिपोर्ट, लॉ में कहीं तो सेक्शन 134 पढ़ के आए होंगे आप, जहां पे आपने पढ़ा होगा डीआरएस, डायरेक्टर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट, कुछ तो सुना होगा, किधर मिलेगा तुमको, एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिलेगा, अरे किधर देखने को मिलेगा, हाँ 100%, देन देयर इज समथिंग कॉल्ड ए सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट, मतलब आपको एक कंपनी के बारे में सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन एक जगह पे
कंपनी खुद प्रिपेयर करके प्रोवाइड कर रहा है. दिस दैट पर्टिकुलर सेट इज कॉल्ड एज एनुअल रिपोर्ट. धीरे धीरे इसके ऊपर डिस्कशन में जाएंगे, अभी के लिए सीधा फोकस करते हैं कि वर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दो पार्ट में डिवाइड किया, कौन कौन सा बेटा? पहला वाला स्टैंड अलोन, सेकेंड वन इज CFS. डिफरेंस मालूम है दोनों में? डिफरेंस मालूम है? हैव यू प्रिपेयर्ड CFS? मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ओल्ड सिलेबस में टेंशन था, एडवांस अकाउंट्स में CFS था, अब तुम्हारा अकाउंट्स ही एडवांस अकाउंट्स है. यू हैव ओनली वन कॉमन अकाउंट्स. इन द ओल्ड सिलेबस इट यूज टू बी टू डिफरेंट अकाउंट्स, तो वो CFS पढ़ाते ही नहीं थे, बाद में पढ़ाते थे, तब तक ऑडिट हो जाता था, तो मेरे को थोड़ा बताना पड़ता था. अब मेरा स्ट्रेस जीरो है, आई एम अज्यूमिंग आप लोग CFS बना के आए हैं, बराबर है? माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कैलकुलेशन क्या होता है सब पढ़ गया है, बराबर है क्या नहीं है? डू यू नो CFS के लिए भी इंडेस है? आपने AS-21 का एप्लीकेशन किया होगा, ऐसे ही IND-AS 110 आता है. जो जो AS पढ़े हैं वो सब IND-AS है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा है, मतलब फिर से वापस पढ़ना पड़ेगा और डिफरेंस समझना पड़ेगा इस बार. और तुम अच्छा किस्मत समझो, क्योंकि IND-AS अपना खुद का आ गया, तो आपको डिफरेंस पढ़ा रहे हैं ओनली बिटवीन AS एंड IND-AS. इन माई टाइम देर वॉज नो IND-AS, तो क्या पढ़ाते थे? डिफरेंस बिटवीन AS एंड US गैप एंड IFRS, क्योंकि IFRS नया था उस टाइम पे, तो सबसे मेच्योर्ड गैप दूसरा US गैप था. सो कंपैरिजन यूज टू बी बिटवीन इंडियन गैप एंड US गैप. IFRS नोटिफाई होने शुरू हुए थे. अब आपको कम से कम बाहर वाला तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, विद इन इंडिया कंपैरिजन सिखा रहे. ओके, कैन आई गो टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? पक्का? इफ यू गो टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या मिलना चाहिए? बैलेंस शीट, PNL, कैश फ्लो, नोट्स एंड SOC. पक्का लग रहा है? पक्का? चलो जाते हैं जरा एक बार तो आठ वापस से 308. परफेक्ट. देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, प्रॉब्लम है एक, बैलेंस शीट PNL इसके पहले भी कुछ तो और लिखा हुआ है, समथिंग कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. क्या लिखा हुआ है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. हैव यू एवर हर्ड दिस वर्ड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट? सुना है क्या कभी? एवर हर्ड ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट? नहीं सुना है? नहीं सुना है? जस्ट वन सेकेंड, सीम्स टू बी अ ग्लिच कनेक्टर. एप्पल टीवी घटिया दे रहा हूं. जस्ट वन सेकेंड गाइस. हेलो हेलो, यस परफेक्ट. सो माय क्वेश्चन टू यू, व्हेन आई लुक एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, PNL, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सब पता है, पर कैन यू सी द फर्स्ट लाइन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट? टीवी बंद है यार. हर बैच के फर्स्ट डे तो मेरे से यही करवाते हैं, कंसिस्टेंट चाहिए दीदी. जस्ट गिव मी 2 मिनट्स गाइस. अच्छा, इन द मीन टाइम यू आंसर मी अ क्वेश्चन.
First bench. देखो एक चैलेंज है तुम्हारे लिए और मेरे लिए दोनों के लिए. इन ग्रुप टू जो आपका ड्यूरेशन डिफाइंड है फर्स्ट हाफ बहुत हेवी है. दैट मीन्स यू स्टार्ट प्रीटी अर्ली इन द मॉर्निंग. देर इज ऑलमोस्ट 3-3.5 hours फॉर कॉस्टिंग एंड देन देर इज ऑलमोस्ट 2.5 hours फॉर ऑडिटिंग. दैट मीन्स योर फर्स्ट हाफ कवर्स ऑलमोस्ट 5-6 hours. मेजर पार्ट जो आपका कवर होने वाला है वो फर्स्ट हाफ के अंदर होने वाला है. थोड़ा सा आपके लिए चैलेंजिंग होगा और आप अगर 5-7 दिन टाइम पास करके आए जिंदगी में लास्ट तो आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल होने वाला है. दूसरा चीज एक और प्रॉब्लम है ग्रुप टू इन टर्म्स ऑफ कंटेंट सेम है एज ग्रुप वन बट द नंबर ऑफ डेज इज वे लेस इन कंपैरिजन टू ग्रुप वन. तो आपके लिए भी एक चैलेंज होने वाला है. फॉर ऑल टीचर्स इन प्रेस्टीज पॉइंट इज गोइंग टू बी नॉर्मल बिकॉज नॉर्मली ग्रुप टू के लिए वी स्पेंड ऑलमोस्ट 2-2.5 months ओनली. बट आपके लिए हर बार जब नया बैच आता है एक चैलेंजिंग पार्टी है बिकॉज आप 3.5 महीने ऑलमोस्ट स्पेंड कर लेते हैं ग्रुप वन के अंदर एंड देन वेन यू सिट एंड आपको सेम चीज़ पढ़ना है समझना है. ऑब्वियसली ये एक स्ट्रेस और कैरी करना है. ग्रुप वन तो मेरे को याद ही नहीं है. यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट. वो आपको स्ट्रेस भी कैरी करना है. तो वैन आई थिंक अबाउट इट तो आपके लिए एक चैलेंजिंग होगा. ये 2-2.5 महीने में इतना सारा पार्ट खत्म कैसे होने वाला है. यू हैव टू बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग मेंटली आई एम टेलिंग यू बिकॉज इट्स गोइंग टू बिकम वेरी वेरी टफ डे बाई डे. प्लस देर इज अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ थियरी एंड प्रैक्टिकल. दैट मीन्स यहाँ पर थियरी का कॉम्पोनेंट भी इक्वली हाई है और बोथ ऑडिटिंग एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. इवन इन एफ एम कॉस्टिंग देर इज अ गुड अमाउंट ऑफ थियरी ऑल्दो द प्रैक्टिस पार्ट इज गोइंग टू बी मोर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आवर्स. मतलब आपको एक्चुअली में सुनने का कैपेबिलिटी बनाना पड़ेगा. थोड़ा पेशेंस होल्ड करना पड़ेगा तो ही आपके लिए सर्वाइवल पॉसिबल होगा. मैं ऑलरेडी फर्स्ट डे आपकी हालत देख रहा हूं. ऐसा होने वाला है. आई अंडरस्टैंड दैट इट्स नथिंग न्यू. आपके लिए थोड़ा और चैलेंजिंग रहेगा बिकॉज यू विल बी स्पेंडिंग सो मेनी आवर्स एंड यू विल बी लर्निंग लिटरली 4 subjects एवरी डे विद अ वेरी हाई इंटेंसिटी. ग्रुप वन में क्या करते हैं आपके साथ पता है क्या? पहले 15 दिन तो ऐसे मेरे को पता है. मैं प्रेस्टीज बोर्ड में 10 साल से हूं. बहुत सारे लोगों के पहले से तो ऐसा शुरुआत होता है. बराबर है क्या? नहीं है या है? उसके बाद में ऐसा टेक ऑफ होता है समझो. फिर तो थोड़ा हवा में रह जाता है फिर नीचे गिरता है. बेसिकली फर्स्ट फ्यू डेज आर वेरी इजी. इन ग्रुप टू इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट. देयर इज नथिंग कॉल्ड इज इजी. सीधा भागते रहने का डायरेक्टली. इधर एक भी दिन मिस किया वो बैच का एंडिंग डेट चेंज हो जाएगा. Are you understanding my point? Group 1 में ending date का tension ही नहीं क्योंकि group 2 कब शुरू करना है वो तब decide करेंगे. But यहाँ पर ऐसा नहीं होगा. और आप में से majority लोगों को एक अलग problem है. अब आपका exam नवंबर में नहीं है जनवरी में है तो एक psychological expectation है इस बार तो और time extra है मेरे पास में. I hope आप वो delete कर चुके हो उस चीज को. अतुल मैं इससे ज़्यादा time pass नहीं है मेरे पास. खत्म हो गया है. I'm done. मैं टाइम पास कर रहा था ये बट आई एम डन नाउ. रुक जा यार एक सेकंड जस्ट 1 second. रोल क्या हो गया इसको? सुबह कॉस्टिंग में हुआ था. हाँ प्रॉब्लम हुआ उसमें भी. प्रॉब्लम हुआ. रुक जा एक सेकंड. शांति रख. तो बग है यार. ऐप में बग है क्या? तेरे को लग रहा है क्या? देख इधर ही ऑलरेडी लैग दिख रहा है. आईपैड कनेक्टेड नहीं है उससे. कनेक्ट कर जरा अभी. कनेक्ट नहीं हुआ यहाँ पे. एक मिनट रुक जा रुक जा रुक जा. ठीक है लुक्स गुड. एक मिनट रुक. परफेक्ट. ठीक है
Okay, sorry for the glitch, guys. Let's get back. Bottom line, in short, आपको genuinely थोड़ा serious होना पड़ेगा और expectations आपसे genuinely बहुत ज़्यादा है. 3-4 days में आपको धीरे धीरे I'll start specifying हर subject के अंदर, specifically in audit, थोड़ा आपसे homework का expectation भी रहेगा, थोड़ा आपसे हर दिन जाके read करने का expectation भी रहेगा. तो आप थोड़ा सा maturity तरीके से deal कीजिएगा. अभी के लिए जब हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, बच्चों, वी टॉक्ड अबाउट बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट. एक स्टार्टिंग में आपको चीज देखने को मिलेगी, दैट इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट. कंट्रोल जल्दी. चलो वो दूसरा आईपैड लेके आएगा जब तक. इन द मीन टाइम एवरीवन कम बैक. मेजॉरिटी एनुअल रिपोर्ट में आपको इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट सबसे पहले देखने को मिलता है. इसके बाद में यू गेट टू सी बैलेंस शीट, पीएनएल एंड ऑल. दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन व्हाट पीपल आस्क. Is independent audit report part of financial statement? Because financial statement के main heading में पहला report जो देखने को मिल रहा है, that is called as independent audit report. So sir, is this part of financial statement? Answer is no. Remember that annual reports में पहले audit report देखने को मिलता है. इसका मतलब ये नहीं है ये financial statement का part है. ये बस present करने का तरीका है. That financial statement पढ़ने से पहले आप एक report पढ़िए. That report is called as auditor's report. अब सर यहाँ पर word independent का relevance कितना है आपको बताएंगे. आपने अभी तक थोड़ा बहुत अगर law में याद होगा section 141 पढ़ा होगा. क्या था क्या 141? Eligibility, qualification and disqualification. If you are employee of a company, you cannot become auditor of that company. याद है क्या आपको? If you are in employee of a company, you cannot become audit. Basic level अगर आपको याद रहेगा तो. मतलब ऐसा ही आपको और बहुत सारा disqualifications है. Normally ऐसा बोला जाता है कि आप अगर company से connected है या related है तो उनका audit नहीं कर सकते हैं. तो एक काम कीजिए, notebook में जाइए, एक note लिखिए. नोटबुक में जाइए, राइट डाउन वन नोट. इन एनुअल रिपोर्ट्स, इन एनुअल रिपोर्ट्स कॉमा इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट इज इंक्लूडेड. Independent auditor's report is included along with financial statements, but audit report is not, but audit report is not a part of financial statement. Audit report is not a part of financial statement as per Companies Act. Audit report is not part of financial statements as per Companies Act 2013. As per Companies Act 2013. मतलब सिंपल है बच्चों, आपको देखने के लिए ऐसा लगेगा कि ऑडिट रिपोर्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में इंक्लूड किया है, जबकि रियलिटी में वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होता है. वैसा प्रेजेंट करने का तरीका होता है. घबराइए मत, ऑडिट रिपोर्ट हम एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपने एक रेफरेंस देखा होगा एज पर कंपनीज एक्ट 20. तो कैन आई से कंपनीज एक्ट 2013 में डिफाइंड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आना चाहिए? I'm going to repeat. Companies Act 2013 में defined है कि financial statement में क्या क्या आना चाहिए. Do you remember section number 2 definitions? वहां पर एक word define किया, that is called as financial statement. उसमें ये पांच चीजें आती है, that is balance sheet, PNL, cash flow statement, SOC and notes. It does not include auditor's report. Remember, it does not include
ऑल्दो एनुअल रिपोर्ट देखते वक्त आपको ऑडिट रिपोर्ट भी साथ साथ में देखने को मिलेगा, पर ये मिसकंसेप्शन नहीं होना चाहिए. इज दैट क्लियर टू यू? नोटबुक राइट डाउन हेडिंग नंबर टू. पहला हेडिंग था आपका जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर था एक नोट. नोट खत्म हो चुका है, लिखिए हेडिंग नंबर टू आपका फेवरेट, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. लिखिए यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. दिस यू वुड हैव स्टडीड इन फाउंडेशन इन डिटेल. हैव यू हर्ड ऑफ दीज यूजर्स? फटाफट डिस्कस करते हैं एक बार प्राइमा फेसिया. लुक एट द लिस्ट ऑफ यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हैव यू हर्ड ऑफ मैनेजमेंट, ओनर्स ऑफ द कंपनी, योर जनरल एम्प्लॉइज और एम्प्लॉइज वर्किंग एट अ मैनेजरियल पोजिशन, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर, गवर्नमेंट एजेंसी, सप्लायर, कस्टमर, लेंडर, ये सब अलग अलग क्या है? यूजर्स है. ये लोग अलग अलग क्या है? यूजर्स है. तो माई क्वेश्चन टू यू इज, इनमें से कौन सबसे कोर यूजर्स होते हैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करते ही है हमेशा? कैन आई से इन्वेस्टर्स? एंड द वर्ड हियर इज कॉल्ड एज प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, और इट कैन ऑल्सो इंक्लूड इन्वेस्टर. प्रोस्पेक्टिव मतलब जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो तो ऑब्वियसली डिटेल में देखेंगे. पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में भी आप लोग कॉन्स्टेंटली क्या देखते रहेंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते रहेंगे. मतलब सर एक्चुअली में पूरा ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट भी बनाया यूजर्स में इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. किस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया है? इन्वेस्टर्स. थोड़ा रेलेवेंस गवर्नमेंट का आएगा. किसका आएगा? गवर्नमेंट का. थोड़ा रेलेवेंस लेंडर्स का आएगा, जिन्होंने आपको पैसा दिया होगा. आपने सुना होगा वर्ड डेट इक्विटी रेशो, डेट कॉम्पोनेंट कितना है, पैसा आपने बोरो कहां से किया है, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा डिस्कशन आएगा. बट मेजर डिस्कशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होगा बच्चों? इन्वेस्टर्स या प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. इसके अराउंड बस दो तीन क्वेश्चन है मेरे पास में. पहला क्वेश्चन आपसे, क्या कंपनी के जो कस्टमर्स होते हैं वो यूजर्स होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के? कस्टमर्स, थिंक अबाउट इट. इफ यू आर अ कस्टमर ऑफ अ कंपनी, यू आर एक्चुअली अ यूजर ऑफ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. देखो हर बार ऐसा नहीं होता. थिंक लाइक दिस, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जा रहे हो, यू आर गोइंग टू बाय अ स्मार्टफोन. अब वो स्मार्टफोन खरीदने से पहले तुम कंपनी का फाइनेंशियल निकालोगे क्या? जनरली यू डोंट. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? यू आर बाइंग एनी प्रोडक्ट, FMCG प्रोडक्ट लेट्स से. आप वो प्रोडक्ट खरीदते वक्त ITC का यू नो बैलेंस शीट नहीं चेक करोगे डायरेक्टली. इफ यू बाइंग ईपी नूडल्स, बराबर है कि नहीं है? मतलब जनरली एज अ कस्टमर जो चीज हम जनरली कंज्यूम करते हैं, हम एक्चुअली ट्रू सेंस में यूजर नहीं होते हैं. क्या नहीं होते हैं? यूजर. बट कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जहां पर ये काम की चीज हो सकती है. लाइक फॉर एग्जाम्पल, सबसे कॉमन IT सेक्टर. अगर आप एक बहुत बड़ा कंपनी हो, लेट्स से अभी आज बहुत फेमस कंपनी US के अंदर जो उनका स्टॉक मार्केट रूल कर रही है, NVIDIA, आपने सुना होगा. Have you heard of the company NVIDIA? They're ruling the US stock markets currently. मतलब they've beaten down Tesla, everyone in terms of performance. So अगर NVIDIA को let's say for example, IT related annually, आपने सुना word AMC, annual maintenance contracts, अपने certain IT softwares का you can say AMC provide करने के लिए service provider चाहिए India से. तो आपके पास companies कौन कौन से आ सकती है? Infosys, TCS, Have you heard of Tech Mahindra, Wipro, सुना है आपने ये सब? कहना से ये सब exist करते हैं मेरे पास में, जो मुझे IT related annual maintenance services provide कर सकते हैं. अब AMC is not a fancy word for them, वो लोग थोड़ा सा contractual services या ऐसा कुछ अपने सबसे word use करेंगे. But bottom line, उनके certain softwares को ग्लिच फ्री रखने के लिए, properly maintained रखने के लिए, वो इंडियन IT सर्विस प्रोवाइडर को चूज करेंगे. अगर मैं एक US का कंपनी हूँ, NVIDIA, मेरे को लेट्स से लगता है एक इंडिया बेस्ड मीडियम साइज IT कंपनी है, आई लाइक देयर वे ऑफ वर्किंग, मुझे लगता है वो मेरे लिए अच्छे सर्विस प्रोवाइडर हो सकते हैं. बट क्या है ना, वो इन्फोसिस नहीं है, वो TCS नहीं है, छोटा कंपनी रहेगा. तो उसको मैंने काम देने से पहले शायद उसके फाइनेंशियल्स को देखना चाहिए, क्योंकि मैं एज अ कंपनी बहुत बड़ा हूं NVIDIA, सामने वाला मेरी सर्विसेज को बराबर से प्रोवाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, उसके पास उतने लोग हैं या नहीं है. कभी कभी जब मैं सर्विस रिसीवर होता हूं, तो मैं सर्विस प्रोवाइडर के हिसाब से थोड़े उसके नंबर्स को चेक करना चाहता हूं, बिकॉज मुझे लगता है मैंने अगर उसे काम दे दिया, उसके पास में सफिशियंट रिसोर्सेज नहीं हुए, तो शायद वो मेरा काम एज पर कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं कर पाएगा. इसीलिए कभी कभी एज अ कस्टमर आई मे बिकम योर यूजर. एज अ कस्टमर आई मे बिकम योर यूजर. अनदर एग्जांपल, थोड़ा बीकॉम लेवल, यू वांट टू पुट योर मनी इन फिक्स्ड डिपॉजिट. यू वांट टू पुट योर मनी इन फिक्स्ड डिपॉजिट. कैन यू पुट दिस मनी इन अ बैंक अकाउंट?
यू कैन पुट इट थ्रू अ बैंक, बराबर है कि नहीं है? तू बैंक के पास गया, एफडी बना सकता है? तूने बैंक का बैलेंस शीट चेक करना चाहिए एफडी बनाने से पहले? आई एम आस्किंग यू, यू वॉन्ट टू मेक अ फिक्स डिपॉजिट, यू गो टू अ बैंक, विल यू चेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द बैंक बिफोर मेकिंग अ एफडी, या किसी भी बैंक में जाके एफडी बना लोगे? डिपेंड्स ऑन वॉट? अमाउंट, बराबर है? अगर छोटा अमाउंट रहा तो कोई इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, बट द अमाउंट ऑफ फिक्स डिपॉजिट इज वेरी हाई, तो आपको डर लगेगा ना यार। मैं पहले भी बोलता था हमेशा से, 2020 यस बैंक फियास्को हुआ है एक बार, यस बैंक ऑलमोस्ट वेंट डाउन, बराबर है कि नहीं है? आपके बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, दे हैव बीन बस्टेड, यू नो दैट राइट? तो कहना इसे अपना पैसा वहां रखने से पहले आपके अकाउंट फ्रीज नहीं होने चाहिए, आपके डिपॉजिट्स फ्रीज नहीं होने चाहिए, आपको डर रहेगा कि नहीं रहेगा? तो आप नॉर्मली कभी कभी एज अ कस्टमर, इफ यू आर अ हाई पोटेंशियल कस्टमर जो एक्चुअली में ज्यादा वैल्यूएबल सर्विस एक्सपेक्ट करता है सामने वाले से, तो आप लोग क्या बन सकते हैं? एक यूजर बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं बच्चों? एक यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नॉट एवरी टाइम अ कस्टमर इज गोइंग टू बी अ यूजर, बट इन सम केसेस यू कैन बिकम अ यूजर। अनदर एग्जाम्पल, आप सोचिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हो, यू आर अ इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, मेरे को डैम्स या हाईवेज वगैरह बिल्ड करने, उसके लिए मेरे को सीमेंट चाहिए या कोई ना कोई मटेरियल चाहिए, ये मटेरियल के लिए डिपेंडेंसी किसी कंपनी के ऊपर है। अब मैं हाईवेज और डैम्स किसके लिए बना रहा हूँ? गवर्नमेंट के लिए बना रहा हूँ, तो गवर्नमेंट के कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रहेंगे। अब सीमेंट जो यूज़ करूंगा वो मेरे को एक अच्छे कंपनी का यूज़ करना चाहिए। कहना इसे अगर रेप्यूटेड कंपनी नहीं है, स्मॉल स्केल बिजनेस है, सपोर्ट करना चाहिए, बट बिफोर बाइंग डोंट थिंक उनके नंबर्स भी चेक करने चाहिए कि एक्चुअली में उनके क्वालिटी कंपोनेंट बराबर है कि नहीं है, ओवरऑल फाइनेंशियल्स को देखते हुए लगता है क्या ये कंपनी मेरे बिजनेस को उतना बढ़िया से रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर पाएगा जो मुझे लगने वाला है। ये चीज आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा। तो कभी कभी एज अ कस्टमर आप थोड़े से इंटरेस्टेड होते हो कि आप दूसरे एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को क्या करेंगे? गो थ्रू करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। ये एक रेलेवेंस होता है, दीज आर माई डिफरेंट यूजर्स। लेंडर्स क्यों इंटरेस्टेड रहेंगे बच्चों? इफ यू आर अ बैंक, यू आर गिविंग मनी टू समवन, let's say a company, will you be interested in their financial statements to evaluate their creditworthiness? Future mein aur lend karna hai ki nahi karna hai, interest ka paisa aayega ya nahi aayega? Have you heard of this word? Ek word suna hai kya? Willful defaulter. Willful defaulter suna hai kya aapne? Matlab company hai, maine usko paisa diya as a bank, samne wale ke paas balance sheet pe paisa hai, PNL mein paisa hai, fir bhi wo default kar raha hai. मतलब वो जानबूझ के विलफुली क्या कर रहा है? डिफॉल्ट, मतलब पैसा रीपेमेंट नहीं कर रहा है। उसने मुझे इंटरेस्ट देना चाहिए, प्रिंसिपल का रीपेमेंट करना चाहिए, पैसा होने के बावजूद वो मुझे यू नो पेमेंट नहीं कर रहा है, तो मैं उसको कैटेगराइज कर सकता हूँ, फ्लैग कर सकता हूँ एज अ विलफुल डिफॉल्टर। आगे आएगा ये आपने शेड्यूल 3 में पढ़ा होगा, दिस वर्ड इज देयर इन शेड्यूल 3 फॉर डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स। आगे आएगा ये चीज, आपको यही बता रहा हूँ बच्चों, वोकैबुलरी को बहुत वास्ट करना पड़ेगा, बहुत बेसिक से शुरुआत है, पर धीरे धीरे जब चीजें ऐड होती जाएगी आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना चाहिए। नोटबुक में जाइए, अंडर यूजर्स लेट्स मेक अ लिस्ट ऑफ सम यूजर्स। आइए, नंबर ए कस्टमर्स, यूजर्स नंबर ए कस्टमर्स, ब्रैकेट्स में लिखो, ओनली इन सर्टेन इंडस्ट्रीज। कस्टमर हमेशा यूजर नहीं होता है, बट कुछ इंडस्ट्रीज में जरूर वो एक यूजर होगा। नंबर टू, ओनर्स और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। नंबर टू, ओनर्स और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स, ओनर्स और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स। नंबर थ्री, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर। नंबर थ्री, प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर, जो पैसा इन्वेस्ट करने वाला है या करने में इंटरेस्टेड है फ्यूचर में। नंबर फोर, लेंडर्स और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, लेंडर्स और अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि आपको गवर्नमेंट के थ्रू सब्सिडीज वगैरह भी मिल सकती है। आपने पैसा बोरो नहीं किया होगा, आपको लेट्स से किसी न किसी फॉर्म में सब्सिडी मिला होगा, तो वो भी इंटरेस्टेड रहेंगे आपके ओवरऑल फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में। एंड द लास्ट वन राइट डाउन, एम्प्लॉइज। लास्ट वन राइट डाउन, एम्प्लॉइज। इज एम्प्लॉय अ यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इज एम्प्लॉय अ यूजर? थिंक अबाउट इट, दिस इज लिटिल ट्रिकी अकॉर्डिंग टू मी। Is employee a user? Okay, you'll go for your articleship.
आई ऑलवेज आस्क दिस, यू विल गो फॉर योर आर्टिकलशिप? आर्टिकलशिप करना पड़ेगा ना, डमी नहीं करने वाले ना, यू नो दिस इज डमी आर्टिकलशिप कॉन्सेप्ट, सीखोगी मत, नहीं पता तो अच्छा है, नेवर अप्लाई फॉर दैट, कोई उसका अलग फॉर्म नहीं होता है, इट्स जस्ट अ सिचुएशन कि आपने अपने आप को रजिस्टर कर लिया है अंडर समवन एंड देन यू आर नॉट वर्किंग, इट्स बेसिकली यू आर अ गोस्ट वर्कर, यू डोंट एग्जिस्ट, एनीवेज यू विल गो फॉर आर्टिकलशिप, बराबर है कि नहीं है? तो आप फॉर्म सेलेक्ट करने से पहले सामने वाले का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख के जाओगे क्या? You are a user of a financial statement. You are going to be employee of a company. Barabar hai ki nahi hai? Will you evaluate the financial statements? Arre yaar, firm mein apply karne se pehle financial check karna chahiye ki nahi check karna chahiye? Ek question simple hai bhai, karna chahiye ki nahi karna chahiye? Stipend time pe milega ki nahi milega, aisa dekhna chahiye na yaar. Dekho, articleship level pe to nahi karna chahiye. Thoda zyada ho jayega. आजकल थोड़े बच्चे डेंजरस हो गए, इंटरव्यू खत्म होता है, इंटरव्यू खत्म होने के बाद में वो इंटरव्यूअर से पूछते हैं कौन कौन से लिस्टेड क्लाइंट्स हैं, मतलब बेसिकली जो आपको हायर कर रहा है तुम उसका इंटरव्यू लेते हैं, व्हाट आर द वर्क टाइमिंग्स, इज सैटरडे संडे ऑफ और नॉट, व्हाट अबाउट यू नो विल आई गेट टाइम टू स्टडी, क्लासेस अटेंड करने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा मेरे को, को कैरिकुलर एक्टिविटीज है क्या कुछ, नहीं बच्चे पूछते हैं, मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम सीरियस अबाउट इट, डू आई नीड टू वेयर फॉर्मल्स और इट्स गोइंग टू बी बिजनेस कैजुअल्स, देयर आर फैंसी टर्म्स नाउ, यू शुड आस्क दीज क्वेश्चंस और नॉट, शुड यू आस्क दीज क्वेश्चंस और नॉट, शुड नॉट, यू सी यू जस्ट क्रॉसिंग द लाइन अकॉर्डिंग टू मी, एक तो सामने वाला गलत मत समझना, यू आर नॉट येट क्वालिफाइड, तेरे को ओके परफेक्ट, थिंक अबाउट इट, वो कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, तूने उसको पूछा डू यू हैव ए लिस्टेड क्लाइंट, उसने तेरे को पूछना चाहिए डू यू नो इंडेस, समझ में आया क्या? अरे लॉजिकल चीज है कि नहीं है? वो ऐसा करता नहीं है, बट वो कितना बड़ा रिस्क ले रहा है, उसके पास कोई भी लिस्टेड एंटिटी दे, उसने तेरे को अलोकेट कर दिया, तेरे को कंपनीज एक्ट में सेक्शन 148 तक आता है, ऑडिट शुरू 149 से होता है, समझ में आ रहे हैं? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सोचो सामने वाले के लिए कितना हाई रिस्क सिचुएशन है, तेरे को हायर भी करना है, तुझे खुश भी रखना है, पैसा भी देना है, सिखाना भी है, तेरी गलतियों की जिम्मेदारी भी लेनी है, अरे तुमने कोई गलती की है रेस्पॉन्सिबिलिटी तेरा होता ही नहीं है, हाँ क्योंकि तू तो बोलेगा आई एम नॉट क्वालिफाइड, सामने वाला मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट है, बराबर है कि नहीं है? रिस्क तो पूरा उसी का है कि नहीं है? इसके बाद में भी तुम उससे क्वेश्चन पूछता है, इस सैटरडे संडे वर्किंग और नॉट, विल आई गेट टाइम फॉर ऑल दिस और नॉट, मतलब मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हारा कुछ भी हक नहीं बनता है, बट तुमने थोड़ा सा बार्गेनिंग करते वक्त सोचना चाहिए यार, मतलब यू शुड नॉट क्रॉस योर लेवल अकॉर्डिंग टू मी, ये थोड़ा रिसेंट टाइम में होना शुरू हो गया, तुमको मजाक लग रहा है, तुम खुद करोगे, मैं बता रहा हूं तुम में से कुछ लोग डेढ़ होशियारी करने के लिए ऐसा करेगा पक्का, डोंट डू सच थिंग्स, आपको आर्टिकलशिप में वो सिखा रहा है सामने वाला, बढ़िया से सिखा रहा है, वो रिस्क ले रहा है, understand that please, okay, anyways, employees, are they user of a financial statement? As a intern maybe not, think about it, you are a CEO of a company, you believe I don't see a future with this company because company mein growth year on year acha nahi hai, agar company mein hi growth acha nahi hua to CEO ka jo number hai in terms of salary, in terms of variable component, wo kaise increase hoga? Don't you think, अगर कंपनी में ग्रोथ नहीं हुआ तो मेरे अंडर जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी इंक्रीमेंट लिमिटेड मिलेगा, उनका भी यू कैन से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज कम होते जाएगा, सो एट अ सर्टेन पोजीशन आप जब पहुंच जाते हैं अपने करियर के अंदर, देन यू स्टार्ट इवैल्यूएटिंग कि जिस कंपनी के साथ मैं एसोसिएटेड हूं एक्चुअली में उनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, ऑब्वियसली वो अच्छा काम करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा तो मेरा ग्रोथ भी उसके साथ में अच्छा होने वाला है, तो लॉन्ग टर्म करियर प्लानिंग करते वक्त एम्प्लॉयज भी कभी कभी क्या बन जाते हैं बच्चों, यूजर्स बन जाते हैं। प्लस दूसरा चीज आपको मालूम रहेगा, इन द स्टार्टअप वर्ल्ड दे गिव यू अ फिक्स प्लस वेरिएबल कंपोनेंट एंड समटाइम्स दे ऑफर यू स्टॉक ऑप्शंस, व्हाट द वर्ड स्टॉक ऑप्शंस, नाउ टू ट्रूली अंडरस्टैंड स्टॉक ऑप्शन आई शुड आल्सो गेट टू एक्सेस देयर फाइनेंशियल्स, किस वैल्यू पे मेरे को वो दे रहा है शेयर्स, वो भी इंपॉर्टेंट है, आई एम गिविंग यू 100 शेयर्स, द क्वेश्चन इज 100 शेयर्स एट व्हाट वैल्यू,
अगर वो वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत हाई हुआ तो मेरे को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है, अगर वो वैल्यूएशन कंपेरेटिवली लोअर हुआ तो मुझे एज अ शेयर होल्डर थोड़ा फायदा मिलेगा। तो कभी कभी एज अ एम्प्लॉई आप शायद इंक्लाइंड रहेंगे, इंटरेस्टेड रहेंगे इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो ऐसा नहीं है एम्प्लॉयज कभी भी यूजर नहीं होते हैं, बट हाँ सारे एम्प्लॉयज के लिए ये एज इट इज अप्लाई नहीं होगा। इसीलिए पूरा ऑडिटिंग जब यहां से आगे पढ़ेंगे, मेजर डिस्कशन एम्प्लॉय पे नहीं होगा, कस्टमर पे नहीं होगा, द डिस्कशन इज गोइंग टू बी ऑन इन्वेस्टर्स, द डिस्कशन इज गोइंग टू बी ऑन गवर्नमेंट एजेंसीज अप टू सम पार्ट, द डिस्कशन इज गोइंग टू बी अबाउट लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस, बट उसके अलावा बाकी यूजर्स पे इतना फोकस नहीं होता है। इज दैट क्लियर टू यू? परफेक्ट, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके यूजर समझ में आ चुका है। कैन आई गो टू द ऑडिटिंग डेफिनेशन नाउ? नोटबुक में जाइए, फाइनली लेट्स गो टू ऑडिट। हेडिंग नंबर 3, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। सुनिएगा बच्चों, पहले पूरा डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर डेफिनेशन को आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मेरे हिसाब से एग्जाम में कभी आपको ऐसा ये कोई डेफिनेशन लिखने के लिए बोलने वाला नहीं है। आप एग्जाम का थोड़ा स्ट्रेस कम लें, समझने पे फोकस ज्यादा करें। एक बार अगर आपको लैंग्वेज समझ में आया, ऑडिटिंग इज एंटायरली अ न्यू लैंग्वेज फॉर यू, तो गेटिंग अ कंफर्ट और कंट्रोल ओवर लैंग्वेज इज एसेंशियल। एक बार लैंग्वेज समझ में आना शुरू हो गया, सब्जेक्ट आपके लिए ऑटोमेटिकली आसान हो जाएगा, केक वॉक बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो पहले डेफिनेशन मेरे साथ लिखिए, फिर इंडिविजुअली उसको पढ़ने के बाद में मेरे साथ डिस्कशन करेंगे। आइए, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट राइट डाउन। ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन, ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर एनी एंटिटी, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कॉमा फॉर एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, एंड इररेस्पेक्टिव of its size or legal structure, irrespective of its size or legal structure, irrespective of its size or legal structure, with a view, irrespective of its size or legal structure, with a view to express, with a view to express an opinion on these financial statements, to express an opinion on these financial statements. You have 2 minutes. Ek baar definition ko padhiye individually on your own, and then hear me out in detail. You have 2 minutes. Read the definition sincerely. Online public, read the definition once. क्या मस्त स्पेलिंग, हेलो हेलो, बहुत सारा स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो यार तुम लोग, तो लिखिएगा आईपैड के ऊपर। हाँ, पढ़ा क्या आपने डेफिनेशन पढ़ा क्या? जस्ट वन सेकेंड, लेट मी गो बैक टू द रेंज।
हेलो 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 हेलो, आई एम बैक टू द रेंज। डेफिनेशन पढ़ा क्या? अरे पढ़ा क्या? ऐसा लग रहा है सर सेम डेफिनेशन पढ़ के आए हम लोग। अरे सेम पढ़ के आए होंगे ना आप लोग डेफिनेशन? पक्का छोड़ दें, आगे बढ़े डायरेक्टली फटाफट से। एवरीवन, आई वांट योर 100% अटेंशन नाउ। देखो बच्चों, सिंपल सा डेफिनेशन है बट इसमें जो वर्ड्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला लाइन देखिए आप क्या बोलते हैं, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। वो वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप जब बोलेंगे ना इंडिपेंडेंट, सिंपल शब्दों में इसका मतलब है जो ऑडिट करने वाला इंसान है, जो एग्जामिन करने वाला इंसान है, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब अनबायस्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अनबायस्ड। समवन हु इज कंप्लीटली अनबायस्ड और अनइन्फ्लुएंस्ड बाय द पार्टीज जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा। मतलब इंडिपेंडेंट वर्ड बहुत वास्ट है। लिटरली अगर आपको बोलूं क्या, मैं आपको पता नहीं है, आप सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 पढ़ के आए होंगे, 141 सबसेक्शन 3, 139 सबसेक्शन 2, 144 नहीं क्या सेक्शन से, ये सब इंडिपेंडेंट के ऊपर ही थे। वापस से, 141 सबसेक्शन 3, 139 सबसेक्शन 2 एंड 144 वो एक्चुअली इंडिपेंडेंस भी थे। कंपनी चेक का बात कर रहा हूं मैं। 141 सबसेक्शन 3 में क्या पढ़ गया है? डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर। क्या पढ़ गया है बच्चों? मतलब डिस्क्वालिफिकेशन इनडायरेक्टली बोलता है कब कब आपने ऑडिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेजॉरिटी उन केसेस में आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे। अरे आप क्या नहीं रहोगे? एग्जाम्पल सुनो, सुना होगा, इफ आई एम अ शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी आई शुड नॉट बी द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। इफ आई हैव लेट्स से इक्विटी शेयर्स ऑफ बजाज फाइनेंस, कैन आई बिकम ऑडिटर ऑफ बजाज फाइनेंस? आई एम अ डिस्क्वालिफाइड पर्सन। फिर आपको पढ़ाया होगा कि सर यू आर नॉट अ शेयर होल्डर ऑफ बजाज फाइनेंस, यू आर अ क्वालिफाइड पर्सन, और आपने ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया। ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद में शेयर्स परचेस कर लिए। ऑडिट एक्सेप्ट करने के बाद में क्या कर लिए? शेयर्स परचेस कर लिए। अलाउड है कि नहीं है? नहीं अलाउड है। रिलेटिव को अलाउड है क्या? रिलेटिव को अलाउड है क्या? ऐसा कुछ वर्ड रिलेटिव का डेफिनेशन आता है लॉ के अंदर, रिलेटिव इंक्लूड्स द फॉलोइंग। आपको शेयर होल्ड करना अलाउड नहीं, रिलेटिव को अलाउड है क्या? लॉ बोलता है यस, अप टू द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख। फेस वैल्यू, नॉट मार्केट वैल्यू। व्हाट डिफरेंस है? फेस वैल्यू 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए बहुत हो गया तो एक शेयर का। समझो मेरा बात, मार्केट वैल्यू कैन बी 3,000 रुपीज ऑल्सो, 50,000 ऑल्सो। अरे हाँ है ना, 1 लाख तक का फेस वैल्यू मतलब इट कैन बी वेरी बिग अमाउंट। वो अलाउड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लॉ ने बोला है ना सर अप टू द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रिलेटिव को अलाउड है। उसका इंटरप्रिटेशन अलग है। उसका इंटरप्रिटेशन बोलता है आप ये बाइंग सेलिंग नहीं कर सकते हो, आपको होल्ड करना अलाउड है। सुनो, हियर मी आउट। इफ लेट्स से योर ग्रैंड पेरेंट्स आर सीरियल इन्वेस्टर्स जिन्होंने कुछ ग्रोइंग बिजनेसेस में पैसा इन्वेस्ट किया होगा। अब बजाज फाइनेंस इज बेस्ड आउट ऑफ पुणे, आपका फैमिली पुणे में बहुत सालों से होगा, उन्हें बजाज के फैमिली बिजनेसेस पे कॉन्फिडेंस होगा। जब बजाज फाइनेंस का लिस्टिंग हुआ उन्होंने शेयर्स परचेस कर लिए होंगे, शेयर्स को और ऐड करते गए होंगे। उनको थोड़ी पता था तू सीए बन जाएगा, और उनको थोड़ी पता था तू इतना काबिल बन जाएगा कि एक पॉइंट का बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी का ऑडिट करेगा। वो तो इन्वेस्टर थे प्योरली टू क्रिएट वेल्थ। अरे बराबर है कि नहीं है? एंड लेट्स से दैट इज पास्ड ऑन टू योर पेरेंट्स, पास्ड ऑन टू योर पेरेंट्स। नाउ लेट्स से योर फादर और योर मदर इज अ शेयर होल्डर इन बजाज फाइनेंस, बट दे डिड नॉट इन्वेस्ट इन बजाज फाइनेंस बिकॉज यू आर द ऑडिटर ऑफ बजाज फाइनेंस। दे इन्वेस्टेड इन बजाज फाइनेंस मे बी थिंकिंग बजाज फाइनेंस इज अ गुड प्लेस। डिस्क्लेमर, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल, आई एम नॉट आस्किंग यू टू इन्वेस्ट। ओके, उनको लगा होगा कि बजाज फाइनेंस एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करके देगा, इसलिए उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया होगा। अब अगर जब तू आज ऑडिट बनने के लिए जा रहा है, लेट्स से आप एलिजिबल हो कि नहीं ऑडिट करने के लिए, तो लॉ बोलता है आपके पास तो बजाज फाइनेंस का शेयर नहीं होना चाहिए, आपके रिलेटिव के पास में हो सकता है क्या? हाँ, उसमें वर्ड है होल्डिंग,
प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, व्हाट इज अ प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख, वो होल्ड कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है मेरे पास पहले शेयर्स नहीं थे, मैं ऑडिटर बना, अब मैं मेरे रिलेटिव में जितने भी लोग हैं कॉल करके बोलते हैं अप टू फेस वैल्यू 1 लाख अलाउड है ले लो। इट इज इनसाइडर ट्रेडिंग, यू नो व्हाट इज इनसाइडर ट्रेडिंग, बिकॉज आई हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंपनी जो पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, जो पब्लिकली अवेलेबल आज नहीं है। कंपनी लिस्टेड होगा बट आज उसके रिजल्ट्स बाहर नहीं आए होंगे, ऑडिटर को तो रिजल्ट्स पहले पता चल जाएंगे। अब अगर मेरी वजह से मेरे रिलेटिव के डेफिनेशन वाला कोई भी इंसान शेयर्स परचेस करता है उस कंपनी का अप टू द फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख, तो आपको तो लगेगा ना क्वालिफाइड इंसान है, पर आपको तो क्या लगेगा करके देखना और मतलब है कि नहीं है। द इंटरप्रिटेशन इज नॉट अलाउविंग यू बाइंग एंड सेलिंग, वो ट्रेडिंग करना अलाउ नहीं कर रहा आपको। इंटरप्रिटेशन बोलता है अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टर थे तो आप उसे होल्ड कर सकते हैं, हम आपको फोर्स नहीं करेंगे आपको बेचना पड़ेगा, ये सोच के रिलेटिव को अलाउ किया है। वरना कैसे रिलेटिव को, रिलेटिव में आपका स्पाउस भी आता है, इट इज एज गुड एज अपना फैमिली का वेल्थ है। आर यू अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक, इसीलिए लिमिट याद करते मत बैठो, सोचो उसको अप्लाई कैसे करना है। समझ में आया क्या? अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, दे विल नॉट केयर सेक्शन 141(3) सब सेक्शन 3 आता है कि नहीं आता है, दे विल केयर डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन देयर। दिस इज द वैल्यू, ये थॉट प्रोसेस आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसीलिए जब मैं बोलता हूँ वर्ड इंडिपेंडेंट, बोलना बहुत आसान है समझना बहुत मुश्किल है। दूसरा चीज, ये तो एक एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल समझा क्या? मैंने अभी तक लॉ पढ़ा है नहीं आपको, आई हैव नॉट टॉट यू दिस, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ माई सिलेबस, दिस विल कम लिटिल बिट, देन दैट इज वेन आई विल टेल यू ऑल दिस, डोंट वरी। मैं सिर्फ अभी एक एग्जाम्पल दिया, दूसरा एग्जाम्पल ढंग से सुनना। हैव यू हर्ड ऑफ रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर? सुना क्या वर्ड रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर? इस कॉन्सेप्ट का तो ना लोगों ने ऐसा मर्डर किया हुआ है ना, मर्डर किया हुआ है, इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है, मतलब बनाने वाले ने सोचा बहुत, हमने उसको मर्डर कर दिया। व्हाट इज रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस? आई एम टेलिंग यू इट इज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस, सो हाउ रोटेशन इज रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस? इज इट रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस? हैव यू हर्ड ऑफ रोटेशन? अच्छा नाम तो सुना है रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर, यार ऐसा मत को बताओ ना यार। हाउ मेनी ऑफ यू हैव हर्ड कि लॉ में कुछ तो होता है रोटेशन ऑफ एन ऑडिटर? इतना सुना है क्या? रेज योर हैंड्स, क्या होता है वो छोड़ दो, सुना है क्या नहीं सुना है? पक्का कंफर्म? क्यों लेके आया रोटेशन? नहीं, रोटेशन क्यों लेके आए? सुनो हे भगवान, क्यों बताऊं तुमको मैं, बट ठीक है, आई हैव टू, आई एम नॉट आस्किंग यू, हियर मी आउट। रोटेशन कॉन्सेप्ट नए कंपनीज एक्ट 2013 में पहली बार हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हुआ। एट द बैक, हियर मी आउट फॉर 2 मिनट्स, ट्रस्ट मी, एवरीथिंग आई टॉक हियर इज रेलेवेंट फॉर यू। आई डू नॉट बिलीव इन टॉकिंग बुलशिट, मैं कचरा बात करूंगा ही नहीं। जब मेरा आईपैड वगैरह कुछ नहीं चल रहा है तो बात अलग है, तुमको लगेगा तुमसे मैं पर्सनल क्वेश्चन डिस्कशन कर रहा है, पर वो मैं सिर्फ टाइम खत्म कर रहा है ताकि आप बात ना करें, मैं वो भी ऑनेस्ट आदमी हूँ। अदरवाइज मैं जो भी बात करूंगा आपके भले के लिए रहेगा और आपसे सब्जेक्ट से 100% रिलेवेंट रहेगा, अदरवाइज मैं बात ही नहीं करूंगा। आई रियली मीन दैट। तो आप प्लीज जब भी मैं कोई डिस्कशन करूँ मेरे एक्सप्रेशन की वजह से अनइंटरेस्टेड ना हो जाइए, फिर भी मेरे को सुनिए। व्हेन आई टॉक अबाउट रोटेशन, ओल्ड कंपनीज एक्ट में यह कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। मतलब मैं एक कंपनी का ऑडिट चाहे जितने साल तक कंटिन्यू कर सकता हूं, मतलब आई कैन बी पार्ट ऑफ अदानी ग्रुप। एक एग्जांपल ले रहा हूं, मैं आई हैव नो रिलेशनशिप, आई एम पार्ट ऑफ अ अदानी ग्रुप, लेट्स से व्हेन द कंपनी वाज वेरी स्मॉल, लेट्स टेक एन एग्जांपल अदानी एंटरप्राइजेस, अज्यूम अ सिचुएशन। अब वो कंपनी ग्रो हो करके एक बड़ा एंटिटी बन गया, उसके अंदर बहुत सारे सब्सिडरीज आ गए, बराबर है कि नहीं है? एंड मैं वो लिस्टेड कंपनी है या प्राइवेट है, रोटेशन तो पहले था ही नहीं। दैट मींस हर कंपनी के लिए मैं चाहूं जितने साल तक ऑडिट कर सकता हूं,
Don't you think I am associated with the company for such a longer period of time? I am associated with the company for such a longer period of time that एक point के बाद में मैं ना चाह करके भी biased हो जाऊंगा. एक point के बाद में मैं ना चाह करके भी because I am also human being. Sign करने वाला इंसान अभी भी human being है. मतलब कुछ ना कुछ psychological barriers होते हैं. So if you are working with an organization for 5 years, 10 years, 20 years, 30 years, कभी ना कभी तो आपको लगेगा ना कि घर जैसी बात हो गई. अब तो वहां का चाय हमारे घर से बेटर है. बराबर है कि नहीं है? ये जोक था, बकवास था. मतलब इन सिंपल टर्म्स यू विल स्टार्ट बिकमिंग लिटिल बिट बायस्ड अबाउट देम. यू विल स्टार्ट बिकमिंग लिटिल बिट बायस्ड. अब डोंट यू थिंक बिजनेसेस ओवर पीरियड ऑफ 25 years, 30 years और बड़े होते जाएंगे? डोंट यू थिंक उनमें जो इन्वेस्टर्स है उनका वेल्थ का अमाउंट बड़ा होते जाएगा? जैसे जैसे अमाउंट बड़ा होगा रिस्क बड़ा होते जाएगा. एक जमाने में रिलायंस का मार्केट कैप भी 4-5 लाख करोड़ था, आज वो 20 लाख करोड़ है, ऑलमोस्ट 4 times. आने वाले टाइम में रिलायंस का मार्केट कैप 50 लाख करोड़ भी जाएगा. क्यों नहीं जाएगा यार? इफ इंडिया इज गोइंग टू ग्रो, सर्टेन बिजनेसेस आर एक्चुअली गोइंग टू ग्रो. डोंट यू थिंक जो रिस्क 5 लाख करोड़ में था और जो रिस्क 50 लाख करोड़ में रहेगा, गैप बहुत बड़ा हो जाएगा. और अगर मैं बोलता हूं सेम पर्सन अभी भी ऑडिट कर रहा है उसी कंपनी का, डोंट यू थिंक बायसनेस और बढ़ते जाएगा? ये रिस्क ना बढ़े इसके लिए उन्होंने लॉ में कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन. दैट मींस हम थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं कि आपको एक लिमिट ही बोला है 5 साल या 10 साल, इतने ही टाइम के लिए आप कंपनी से एसोसिएटेड रहेंगे, उसके बाद आपको कंपनी से दूर होना पड़ेगा. सुना होगा वर्ड कूलिंग पीरियड ऑफ 5 years. यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years. अब तुमने होशियारी किया होगा उधर भी. क्या होशियारी किया होगा? 10 साल तक स्टैट्यूटरी ऑडिट कर लेता हूं, 5 साल का कूलिंग पीरियड है, 5 साल में इंटरनल ऑडिटर बन जाता हूं. तुमको वैसे इंटरनल ऑडिट होता है क्या? पता नहीं है. आई एम टेलिंग यू, नहीं पता है. मैं बताऊंगा तुम्हें, सिर्फ सेक्शन 138 आता है. बुरा लग गया, चलो बताओ इंटरनल ऑडिट क्या होता है. तो दिल पे मत लिया करो यार, मुझे पता है मैं इधर ही हूं बहुत सालों से. ये क्वेश्चन सुना होगा ना तुमने, 10 साल तक अपने स्टैट्यूटरी ऑडिट कर लिया, कूलिंग पीरियड ऑफ 5 years आया, वो 5 साल में कैन आई बिकम इंटरनल ऑडिटर ऑफ अ कंपनी? अच्छा, कैन आई डू अकाउंटिंग ऑफ कंपनी फॉर 5 years? अरे वो सुना क्या वर्ड प्रोहिबिटेड सर्विसेज 144? ये लॉ पढ़ के आए हो ना तुम? 144 में कुछ सर्विसेज दी है, इफ यू आर ऑडिटर यू कैनॉट प्रोवाइड दीज सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड एज प्रोहिबिटेड सर्विसेज. ये भी इससे और इससे दोनों से कनेक्टेड है. इंडिपेंडेंट सेक्शन नहीं है वो, उन दोनों के लिए बनाया है. समझा क्या? इंडिपेंडेंस इज नॉट अ जोक, इंडिपेंडेंस इज अ वेरी वेरी ब्रॉडर कॉन्सेप्ट. कंपनीज एक्ट में तो बहुत छोटा सा कवरेज है, फिर इंडिपेंडेंस के ऊपर स्टैंडर्ड है, फिर इंडिपेंडेंस के ऊपर गाइडेंस है जो ICAI ने अलग से दिया है. इंडिपेंडेंस वर्ड पे पूरा ऑडिट डिपेंडेंट है. अगर इंसान इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसकी रिपोर्ट रिलायबल नहीं है, तो पूरी रिपोर्ट पढ़ के फायदा ही नहीं है अगर वो इंसान इंडिपेंडेंट नहीं है. समझ में आया क्या? दिस वर्ड इज एक्चुअली गोइंग टू चेंज एवरीथिंग इन ऑडिट. दैट इज व्हाई दे से पहला चीज होता है थोड़ा समझना, दैट इंडिपेंडेंस इज अ पावरफुल वर्ड. मतलब जो ऑडिट करने वाला इंसान है वो कंप्लीटली अनबायस्ड होना चाहिए, कंप्लीटली अनरिलेटेड होना चाहिए. सर उसको डिफाइन कैसे करेंगे? उसके लिए आपको लॉ समझना पड़ेगा, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड समझने पड़ेंगे, कुछ गाइडेंस नोट्स, देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज गाइडेंस नोट्स जो ICAI ने दिया है वो समझना पड़ेगा, कुछ ICAI के एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या होते हैं एथिकल प्रिंसिपल्स, वो समझने पड़ेंगे, तब जाकर के आपको वर्ड इंडिपेंडेंस समझ में आएगा. थोड़ा बात समझा क्या? एक लास्ट एग्जाम्पल, वन लास्ट, देन आई विल फिनिश द डेफिनेशन, डोंट वरी. एक एग्जाम्पल, अज्यूम सिचुएशन, ये सुना होगा ऐसा मेरे को लगता है, आई होपिंग. देयर इज अ ऑडिट फर्म कॉल्ड एज XYZ. अच्छा पहले तो डाउट है मेरे को, ये एग्जाम्पल के भी पहले डाउट है. कैन अ कंपनी डू ऑडिट ऑफ अनदर कंपनी? वापस से कैन अ कंपनी डू ऑडिट ऑफ अनदर कंपनी? कैन अ कंपनी डू ऑडिट ऑफ अनदर कंपनी? लॉ में बोला है
या तो ऑडिटर इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, या वर्ड है फर्म। फर्म इंक्लूड्स द वर्ड LLP, उसके अलावा कोई भी बॉडी कॉरपोरेट ऑडिट नहीं कर सकता है। याद आया क्या? मतलब एक कंपनी दूसरे कंपनी ऑडिट कर सकता है क्या? नहीं, इसीलिए वर्ड मैंने यूज किया XYZ कंपनी नहीं है, XYZ एक फर्म है। XYZ क्या है? एक फर्म। इज दैट क्लियर टू यू एवरीवन? आई वांट योर अटेंशन। XYZ एक ऑडिट फर्म है जो बहुत सारे बिजनेसेस का ऑडिट करता है। क्या करता है? बहुत सारे बिजनेसेस का ऑडिट। लेट्स से XYZ का टोटल इनकम, या बोल दीजिए रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और इनकम इज लेट्स से अप्रोक्सीमेटली 25 CR, 25 करोड़ का रेवेन्यू इस फर्म का। ऑडिट फर्म XYZ, टोटल रेवेन्यू 25 CR एनुअली। इस 25 करोड़ में से देर इज लेट्स से एक ग्रुप, मैदानी ग्रुप नहीं बोल रहा हूं, एक ग्रुप बोल रहा हूं ऐसे, अज्यूम अ सिचुएशन, एक ग्रुप के अंदर कुछ बिजनेसेस हैं, इन बिजनेसेस का ऑडिट करके मुझे मिलता है 22 CR। हियर मी आउट। वन ऑडिट फर्म, टोटल रेवेन्यू 25 CR, आउट ऑफ 25 CR 22 CR इज कमिंग ओनली फ्रॉम वन बिजनेस। आई सेड अ ग्रुप ऑफ कंपनीज विच इज कंट्रोल्ड बाय सेम पीपल, ग्रुप ऑफ कंपनीज विच इज कंट्रोल्ड बाय सेम पीपल। इट कैन बी 3 कंपनीज, इट कैन बी 5, इट कैन बी 10, बट द ओनर्स आर टेक्निकली सेम। अरे, बट द ओनर्स आर टेक्निकली सेम। मैं बोल रहा हूं 25 करोड़ में से 22 करोड़ मेरे को इनसे ही ऑडिट फीस के फॉर्म में आता है। इनसे ही किस फॉर्म में आता है? ऑडिट फीस से। क्या XYZ फर्म इंडिपेंडेंट है कि नहीं है? और इसमें इंडिपेंडेंस का किधर रिलेशनशिप है? आपने क्या पूछा? फर्म का रेवेन्यू कितना है? 25 करोड़। 22 करोड़ कहां से आ रहा है? एक बिजनेस ग्रुप के बिजनेसेस का ऑडिट करके आ रहा है। कह रहा है इसे मेजर कंपोनेंट मेरा इधर से ही आ रहा है क्या? तो सर मेरे इंडिपेंडेंस में इंपैक्ट आएगा क्या इसका? डिड यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन? फॉरगेट अबाउट आंसर, डिड यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? एटलीस्ट कि भाई 25 करोड़ में से 22 करोड़ एक ही बिजनेस ग्रुप से आ रहा है एज अ ऑडिट फीस, तो क्या मैं इंडिपेंडेंट है या नहीं फॉर दिस कंपनी? सर इंडिपेंडेंस तो मैं रिलेटिव हूं कि नहीं हूं, शेयर होल्डर हूं कि नहीं हूं? बोलो ना 141 सबसेक्शन 3। देखो जब तक बैलेंस शीट PNL पढ़ा रहा था कितना अच्छा लग रहा था आपको। दो तो क्वेश्चन पूछे अभी तक सिर्फ, घटिया शक्ल बनाना शुरू कर दिया आपने। डिड यू अंडरस्टैंड माई क्वेश्चन? अलाउड होना चाहिए कि नहीं अलाउड होना चाहिए? अरे इसमें रिलेटेड पार्टी का कोई लॉजिक नहीं है। दिस फेलो कैसे रिलेटेड पार्टी? कंप्लीटली अनरिलेटेड। XYZ इज ऑडिट फर्म, कंप्लीटली अनरिलेटेड। मैं बोल रहा हूं एवरीवन, आई वांट अटेंशन। ICAI ने कुछ थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस डिफाइन किए हैं। क्या डिफाइन किए हैं? कभी कभी लॉ भी सफिशिएंट नहीं होता है, क्योंकि लॉ बनाते वक्त आपका जनरल माइंडसेट होता है। अब ICAI इनडायरेक्टली इज अ रेगुलेटर फॉर ऑल द मेंबर्स ऑफ ICAI। अगर आप ऑडिट बराबर से कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये ICAI की जिम्मेदारी है कि नहीं है? इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप बराबर से काम नहीं कर रहे हो तो सुनिए मेरा बात। उन्होंने बोला है अगर आपके फीस का मेजोरिटी पार्ट, अगर आपके फीस का मेजोरिटी पार्ट, एक सब्सटेंशियल पार्ट किसी एक बिजनेस से आ रहा है, मतलब आपके लिए ये बिजनेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बिजनेस कभी डूबना ही नहीं चाहिए। ये डूबा तो तेरा फॉर्म भी डूब जाएगा, क्योंकि तेरा मेजर रेवेन्यू कहां से आ रहा है? इधर से ही आ रहा है। तो कहना इसे तू इंश्योर करेगा कभी ना डूबे, तो तू इंश्योर करेगा सब अच्छा ही दिखे। तो विल यू बिकम अ वाइज पर्सन और नॉट? 100% इस सिचुएशन को भी माना जाता है कि इंडिपेंडेंस में कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, क्योंकि आपका मेजर रेवेन्यू, मतलब इस बार ना शेयर होल्डिंग का कोई रिलेशनशिप नहीं है, इस बार ना इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ भी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कंप्लीटली इंडिपेंडेंट अनरिलेटेड पर्सन हो ऑडिट करने के लिए, बट आप उस पर फिर भी बहुत, क्योंकि आप इंसान तो हो। अरे 25 करोड़ में से अगर 22 करोड़ एक ही जगह से आ रहा है, मतलब आपका पूरा धंधा उस पर चल रहा है। तो जब तक ये चलेगा तुम चलेगा, जब ये बंद हो जाएगा तो तुम भी बंद हो जाएगा।
How can you remain independent? You will have a doubt on your independence. Yes or no? ये थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस में आता है. इंडिपेंडेंट इज अ वेरी ब्रॉडर वर्ड. बोलना आसान है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. कैसे? उसके पूरे प्रिंसिपल्स आने चाहिए. समझा क्या? क्या हमारे सिलेबस में है ये सब? यस. है क्या? हाँ. लॉ से भी आएगा, एसए से भी आएगा, एंड आईसीआई के कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स है वहां से भी आएगा. थोड़ा वर्ड समझा क्या? अब मैं परेशान नहीं करूंगा. आई विल गो बैक टू माई डेफिनेशन ऑफ ऑडिट. कम बैक टू डेफिनेशन. अब मैं डेफिनेशन खत्म करता हूं. ढंग से सुनिएगा सर. ऑडिट इज एन इंडिपेंडेंट. सर इंडिपेंडेंट वर्ड पावरफुल है, समझ गया. इंसान ने क्या होना चाहिए? कंप्लीटली अनबायस्ड, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन. इस बार बच्चों वर्ड देखिएगा, एवरी वन आई वॉन्ट अटेंशन. एग्जामिनेशन ऑफ क्या लिखा आपने? देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं लिखा है. फाइनेंशियल, इज देयर अ डिफरेंस? सेंटेंस के एंड में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन है. अरे, बिकॉज फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज अ ओपन एंडेड वर्ड. दुनिया में अगर हम बोलेंगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हर किसी को समझेगा. फाइनेंशियल स्टेटमेंट मे नॉट बी यूज इन एवरी कंट्री. दे मे यूज द डिफरेंट टर्मिनोलॉजी फॉर द सेम. आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? बस हर कंट्री का गैप अलग अलग होता है. तो सर ऑडिट सबका सेम होता है. चाहे तुम यूएस कंपनी का ऑडिट करने के लिए जाएगा, तब भी बेसिक रूल्स विल नॉट चेंज. योर अकाउंटिंग रूल्स विल चेंज. अरे, योर अकाउंटिंग रूल्स विल चेंज, बट बेसिक रूल्स ऑफ ऑडिटिंग विल नॉट चेंज. बिकॉज ऑडिटर इज ऑलवेज अ ऑडिटर. वो स्टैंडर्ड्स जो होते हैं ना, वो भी ग्लोबल होते हैं. मतलब जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वैसे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं. जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वैसे ही बच्चों क्या है? ऑडिटिंग. वो क्या होते हैं? ग्लोबल होते हैं. आपको आगे पढ़ाए जाएंगे कि वो सिलेबस में कैसे आया, वो स्टैंडर्ड्स क्यों ग्लोबल माना जाता है. मतलब सर हम इंडिपेंडेंटली एग्जामिन करेंगे. किसको एग्जामिन करेंगे? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. When I say financial information, India में financial information किधर से मिलेगा? Financial statement से मिलेगा. तो India के लिए financial information is nothing but financial statements only. Is that clear to you? Read the definition. It is an independent examination. किसका examination करेंगे? Financial information का. आगे देखो क्या लिखा है. For any entity, मतलब sir क्या ये ऑडिट सारे कंपनीज के लिए एप्लीकेबल है? इज ऑडिट एप्लीकेबल फॉर ऑल द कंपनीज? आपने सुना क्या सेक्शन 8 कंपनी? अरे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ना यार, उनका भी ऑडिट कंपलसरी होता है क्या? हाँ. स्मॉल कंपनी ऑडिट कंपलसरी होता है? स्मॉल कंपनी ऑडिट कंपलसरी होता है क्या? सारे कंपनीज का ऑडिट कंपलसरी होता है. नो आर्ग्यूमेंट्स, नो मिसकंसेप्शन. आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम टेलिंग यू. सारे कंपनीज का ऑडिट कंपलसरी होता है. कंपनीज एक्ट का रिक्वायरमेंट है. समझा क्या? आई रिपीट, सारे कंपनीज. मैंने नहीं बोला सारे पार्टनरशिप फर्म्स, मैंने एचयूएफ नहीं बोला. अरे, मैंने क्या बोला? सारे कंपनीज. उसमें बैंकिंग भी आ जाएगा, उनका रिस्पेक्टिव एक्ट भी आ जाएगा. अरे, ये डेफिनेशन लिखा है कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो सारे एंटिटीज, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है या नहीं, मतलब वो सेक्शन 8 कंपनी है या नॉर्मल कंपनी, फर्क नहीं पड़ता है. अरे, इररेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज, और मतलब इट्स अ स्मॉल कंपनी और इट्स अ बिग प्राइवेट लिमिटेड, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सर ये लिस्टेड कंपनी है, अनलिस्टेड है, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सबके लिए ऑडिट क्या है? कंपल्सरी है. किसके लिए कंपल्सरी नहीं है? मैं लिखवा के दूंगा. It will include your sole proprietorship. That is not part of Companies Act. It will include your partnership. It will include your HUF. फिर एक बार सुनोगा LLP. LLP के लिए limits दिए हैं. Capital contribution and revenue का. वो limit के beyond LLP को audit applicable होता है. मतलब उनके लिए compulsory नहीं होता है. अरे उनके लिए compulsory, but companies के लिए compulsory होता है क्या? हाँ. Is this sentence clear to you? पक्का? वापस से सर. इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन किसका? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन. ये टाइम पास है, कट मत करो. मतलब टाइम पास है, सबके लिए एप्लीकेबल है. स्मॉल बिग कोई फर्क नहीं पड़ता. इंपॉर्टेंट लाइन आगे वाला है. विथ अ व्यू, मतलब सुनिए, हमने इंडिपेंडेंटली क्या किया? एग्जामिन किया. हमने इंडिपेंडेंटली क्या किया? एग्जामिन. उसके बाद में क्या किया? वी हैव टू एक्सप्रेस. हमें क्या एक्सप्रेस करना है बच्चों? एक वर्ड को मार्क करना, एन ओपिनियन. मतलब सुनिए, सिंपल शब्दों में, एक इंडिपेंडेंट इंसान
फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करेगा, अपना ओपिनियन देगा, ऑडिट खत्म। इंडिपेंडेंट इंसान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एग्जामिनेशन करेगा और क्या प्रोवाइड करेगा, ओपिनियन। मतलब आपके ऑडिट रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होने वाली है, ओपिनियन। कोई दूसरा वर्ड नहीं है, कंक्लूजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वर्ड एक ही है, कौन सा, ओपिनियन। इट्स अ एक्चुअल टर्म, ये उन्होंने ऑडिट में डिफाइन किया है। व्हाट इज ओपिनियन, आई विल एक्सप्लेन यू, पर ध्यान रखना पूरा ऑडिट होने के बाद में देना क्या है, रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में क्या मिलेगा, ओपिनियन। कैन आई से दिस इज कॉल्ड एज ऑडिटर्स ओपिनियन, दिस इज कॉल्ड एज ऑडिटर्स ओपिनियन। ये ओपिनियन किस पे होगा बच्चों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि ऑडिट भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कर रहे हैं। अरे स्टार्टिंग में देखो ना, एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंस, तो ओपिनियन भी किसके ऊपर होगा, फाइनेंस। समझा क्या सर, पूरा डेफिनेशन पढ़ के लगा है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट का डेफिनेशन है। अरे किसका डेफिनेशन है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के। आपने बोला ऑडिट बहुत चीजों का होता है, कॉस्ट ऑडिट अलग होता है जो उसमें नहीं आया है, टैक्स ऑडिट होता है जो उसमें नहीं आया है, इसमें कौन सा डेफिनेशन में क्या कवर किया है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट। नोटबुक में जाइए, आपने लिखा होगा डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, लिखा है आपने वहां पे, उसके ब्रैकेट्स में लिखिए, जगह नहीं है रोने का, नहीं फालतू में, वरना नोटबुक है कैसे मैनेज करना, करो। डेफिनेशन ऑफ ऑडिट ब्रैकेट्स में लिखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट, ये ऑडिट मतलब कौन सा ऑडिट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कॉमा स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट कॉमा स्टैट्यूटरी ऑडिट कॉमा एक्सटर्नल ऑडिट। अब सही में जगह नहीं है सर, एक्सटर्नल ऑडिट, दीज आर जस्ट डिफरेंट नेम्स, सबका मतलब एक ही है। आपको बस एक्सप्लेन कर देता हूं, हम जब यहां से आगे ऑडिट बोलेंगे वो कौन सा ऑडिट रहेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट रहेगा। किसका ऑडिट रहेगा बच्चों, फाइनेंशियल स्टेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सटर्नल ऑडिट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, वाई द वर्ड एक्सटर्नल, क्योंकि अजम्पशन है यहां पे ऑडिट करने वाला इंसान कंपनी के बाहर वाला इंसान होगा, मतलब ये कंपल्सरीली क्या होगा, अनरिलेटेड इंसान, क्योंकि आपको थोड़ा बहुत भी अगर याद होगा तो ऐसा बताया होगा कंपनी का इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, कंपनी का इंटरनल ऑडिटर कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटर कभी एम्प्लॉय नहीं हो सकता है। इसीलिए बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने वाला इंसान कभी भी एम्प्लॉय या कंपनी का पार्ट नहीं हो सकता है, वो हमेशा एक्सटर्नल ही होना चाहिए, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है बच्चों, एक्सटर्नल ऑडिट। कैन यू सी अ थर्ड वर्ड दैट इज कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी मतलब समथिंग रिक्वायर्ड बाय लॉ, स्टैट्यूटरी मतलब यहां पे समथिंग विच इज रिक्वायर्ड बाय लॉ। इज दिस ऑडिट रिक्वायर्ड बाय लॉ, यस, कंपनीज एक्ट बोलता है जो जो कंपनीज इस एक्ट में आते हैं उन्हें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना करके क्या करवाना पड़ेगा, ऑडिट करवाना पड़ेगा। क्या आपको ये तीन नाम समझ में आए, यू हैव 2 to 3 minutes, शांति से आपने जो नोटबुक में लिखा है स्टार्ट से लेकर एंड तक एक बार रीड कीजिए, जस्ट रीड व्हाट यू हैव रिटन। Do not talk, kindly read. ऑनेस्टली बताओ, जितना नोटबुक में लिखा है वो सब एकदम टाइम पास लग रहा है कि नहीं लग रहा है, लाइक आर यू ऑलरेडी वेरी कंफर्टेबल विद दिस। एक बात सुनना, डिस्कशन के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें आ जाएगी,
बट जितना आपको रेलेवेंट चीज मल्टीपल टाइम रीड करना है, एग्जाम के लिए दिमाग में रखना है, उतना ही नोटबुक में लिखेंगे। मतलब नोटबुक में वी विल राइट ओनली दैट व्हाट आई बिलीव इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एंड विल कीप राइटिंग। द रीजन बींग सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा अगर मैं बात करते जाएगा। देखो ऑलरेडी आज भी मैंने 80% बात किया है, 20 या 10% ही लिखवाया है, तुम्हारी हालत खराब हो गई है, धीरे धीरे तुमको रियलाइज होगा। इसीलिए वो ऑलमोस्ट ऐसा मान के चलिए इट विल रीच 50-50 लेवल। 50% आई विल जस्ट डू द टॉकिंग, 50% हम लिखते रहेंगे क्लास के अंदर व्हाट वी टॉक, बिकॉज आई बिलीव व्हेन यू राइट इन द क्लासरूम अलॉन्ग विद द टीचर योर अंडरस्टैंडिंग विल इंप्रूव, बिकॉज हमने सुना है, समझा है, उसके बाद खुद लिखा भी है, तो आपका अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव होगा। एंड आई वॉन्ट आप सिंसियरली वो अप्रोच फॉलो करो ताकि आपको सब्जेक्ट पे कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए। इज दैट क्लियर टू यू? आर यू कंफर्टेबल विद व्हाट यू हैव रेड गाइस? कैन आई गो नेक्स्ट? आगे बढ़ेंगे डायरेक्टली। कैन आई से सर सिंपल सा डेफिनेशन था ऑडिट का? तो सर एक बात बताओ, ये तुमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूजर से सब क्यों पढ़ाया? 2 मिनट सुनिएगा, अब आपको तीनों चीजें रिलेट करके बताता हूँ। जो हमने 3 चीजें पढ़ी है, क्या क्या पढ़ी? पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर क्या पढ़ा? यूजर्स, फिर पढ़ा डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। एवरीवन आई वांट योर 100% अटेंशन, सुनिएगा सर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, एसओसी, समझता है हमको सर। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? वापस से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है वो समझ गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? हु इज रिस्पॉन्सिबल टू प्रिपेयर दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? ऑडिटर बनाएगा या कोई और बनाएगा? क्या ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाता है? कभी भी नहीं। एक सर एसओसी रह गया, थोड़ा प्लीज थोड़ा सा हेल्प कर दो ना सर। बैलेंस शीट में सर एक एंट्री, सर एक एंट्री की वजह से बैलेंस शीट टैली करना है सर। क्या ऑडिटर अकाउंटिंग करता है कि नहीं करता है? नहीं करता है पक्का? क्यों? 144 प्रोहिबिट करता है। ओ हो, मेरे को भी सेक्शन मारने लगे तुम लोगों को सीधा डायरेक्टली। सर 144 अलाउ नहीं करता है। कभी भी ध्यान रखना, अगर आपने खुद अकाउंटिंग किया है तो आपने ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट का मर्डर कर दिया है, क्योंकि ऑडिट का मतलब ये, तुम जब खुद का काम खुद एग्जामिन करेगा तो एग्जामिन करके फायदा ही क्या होगा? नहीं सर, हम जब वो टेस्ट पेपर लिखते हैं खुद चेक किया ना तो गलती मिलती है, ये जिंदगी वैसी नहीं चल रही है, अभी स्टूडेंट लाइफ खत्म हो जाता है तब तक। ऐसा नहीं अलाउड है। मतलब सर ऑडिट अगर आप कर रहे हैं तो आप अकाउंटिंग में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर टू यू? ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपसे एक्सपेक्टेशन है ये। वरना पता है क्या होगा, आप अगर अकाउंटिंग कर रहे हैं मतलब आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो फिर इंडायरेक्टली आप इंडिपेंडेंट नहीं है यार। हाँ या ना? इसलिए पड़ा होगा ऑडिटर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स के थ्रू होता है। अब देखो बार बार लॉ में चले जाते हैं चुपचाप। ज्यादा क्या, कंपनी में ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल है तो कमेटी जाता है बोर्ड के पास में, फिर बोर्ड रिकमेंडेशन देता है मेंबर्स को, मेंबर्स डिसाइड करते हैं ऑडिटर अपॉइंट करना है या नहीं करना है। कमेटी नहीं है तो बोर्ड से रिकमेंड, ऐसा कुछ याद है क्या? रिकमेंडेशन, अपॉइंटमेंट, फिर पढ़ा होगा कैजुअल वेकेंसी। बहुत पढ़ के आए हो ना तुम ये सब। मतलब बच्चों सिंपल शब्दों में शेयर होल्डर्स ऑडिटर को अपॉइंट करते हैं क्योंकि ऑडिटर कंप्लीटली अनबायस्ड या इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इसीलिए ध्यान रखिए हमेशा कि भाई ऑडिटर ने कभी भी क्या नहीं करना चाहिए, अकाउंटिंग नहीं करना चाहिए। नॉट जस्ट अकाउंटिंग, देयर इज अ लिस्ट ऑफ सर्विसेज जो हमने प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। दे आर कॉल्ड एज प्रोहिबिटेड सर्विसेज, दे आर कॉल्ड एज प्रोहिबिटेड सर्विसेज। इज दैट क्लियर टू यू एवरीवन? हियर मी आउट। सबसे पहले मैनेजमेंट responsible to prepare financial statements. 2 minute, management responsible to prepare financial statement. There are a lot of users of financial statements. Who are the users? Discuss kiya humne sir. Company ke investors, prospective investors, employees, customers, government agencies. Are haan ya na? Your lending institutions, are they all users? मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, यूजर्स को फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज करना है तो सिंपल है ना। मैनेजमेंट बैलेंस शीट पीएनएल बनाएगा, बना करके किसको दे देगा? यूजर्स को दे देगा। तो सर ऑडिटर की जरूरत क्या है? अरे तो ऑडिटर की जरूरत ही क्या है, क्योंकि यूजर्स मैनेजमेंट के द्वारा प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिलाई नहीं करते हैं। अनलेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के आगे एक रिपोर्ट इंक्लूडेड है, दैट इज कॉल्ड एज ऑडिट रिपोर्ट। अरे याद करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुरू हुआ पर पहले ऑडिट रिपोर्ट आया, बाद में बैलेंस शीट, पीएनएल, सी। अरे
सो कैन आई से ऑडिटर एक ब्रिज बनाने के लिए एग्जिस्ट करता है. मैनेजमेंट विल प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यूजर्स वॉन्ट टू यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट दे कैन नॉट रिलाई ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनलेस देयर इज अ ऑडिट रिपोर्ट अलॉन्ग विद द फाइनेंशियल. कैन आई से ऑडिटर इन द मिडल एक सबसे टफ जॉब कर रहा है कि ये नंबर्स जो दे रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कौन दे रहा है? मैनेजमेंट. ये बराबर है या नहीं, ये चेक करके रिपोर्ट कौन बनाएगा? ऑडिटर. फिर उसे यूज कौन करेगा? यूजर. यूजर वॉन्ट्स टू यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बट दे कैन नॉट यूज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनलेस इट इज गिवन अलॉन्ग विद अ ऑडिट रिपोर्ट. इज दैट क्लियर टू यू? इसीलिए पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है वो पढ़ाया, यूजर्स क्या है वो पढ़ाया, मीनिंग ऑफ ऑडिट पढ़ाया, तीनों समझना चाहिए. एकदम आसान है क्या? कंफर्म है? आगे बढ़ू क्या? इंट्रोडक्शन इधर ही खत्म होता है. अब आते हैं सीधा काम की बात पे. नोटबुक में जाओ, राइट डाउन नेक्स्ट. पक्का समझ में आया ना आपको? एकदम आसान लगा होगा मेरे हिसाब से. मतलब कभी किसी ने बोला कि सर ऑडिटर ना पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट मत बना, सिर्फ सीएफएस बना दे? नहीं. एनीथिंग दैट इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय होम? ऑडिटर. इट शुड बी ओनली एग्जामिन्ड बाय दी ऑडिटर. इज दैट क्लियर टू यू गाइस? परफेक्ट. नोटबुक में जाइए. अगला हेडिंग आज लिखा है, पहले जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरा यूजर्स, तीसरा डेफिनेशन ऑफ ऑडिट. राइट डाउन नंबर 4, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड. नंबर 4, स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. चलो बच्चों, ये तो कंफर्म हो गया. यहां से आगे हमारा पूरा ऑडिट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है हमको पता है. यूजर्स हैं, इसके लिए ऑडिटर एग्जिस्ट करता है. सोचो ना, यूजर्स नहीं होते तो ऑडिटर की जरूरत ही नहीं होती. अरे अगर यूजर्स नहीं होते तो ऑडिटर की जरूरत क्या होता था? वो यूजर्स को ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए, इसलिए ऑडिटर है. अरे हाँ है ना. मतलब इसीलिए हमें हमेशा किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है? यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. हम किसके लिए एग्जिस्ट करते हैं? यूजर्स. अगर यूजर्स नहीं होते तो हमारा रेलेवेंस ही नहीं होता. मतलब पूरे सब्जेक्ट का रेलेवेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? यूजर्स ऑफ फाइनेंस. इतना कंफर्म है बच्चों? तो अब मेरे को एक बात बताओ, अभी आपने हेडिंग क्या लिखा है? मतलब एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स आने वाले हैं? मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से क्या स्टेप्स आने वाले हैं? अब तुमको ऑडिट क्या होता आता है? अरे मीनिंग आता है ना तुमको. अब तुमको डेफिनेशन नहीं, उसका मतलब भी आता है. तुम्हें ये पता है हम किसके लिए एग्जिस्ट करते हैं. तो बताओ कैसे करोगे ऑडिट? कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मांगेंगे, इंफॉर्मेशन मांगेंगे, फिर ऑडिट करेंगे. अकाउंटिंग कैसे तो समझेंगे. हाँ 2 मिनट. हाँ पहले किसी ने ऑडिट रिपोर्ट बनाया होगा वो ले लेंगे, फिर वैसे ही कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डेट चेंज, नाम चेंज. देखो पता है कि ऑडिट रिपोर्ट में क्या आता है? मैं ऐसा अच्छा पॉइंट दे रहा है यार, भूल ही गया. वो इतना ग्लिच आया था ना बीच में आईपैड के अंदर कि मेरे को बोर हो गया था एक्चुअली में. घबराओ मत, अपने मॉड्यूल के एंड में कितने मॉड्यूल वगैरह मिलेंगे सब बता देंगे लास्ट में. ऐसे कुछ ऑडिट रिपोर्ट्स देखने को मिलेंगे आपको. ये अपना मॉड्यूल है जो आपको मिलने वाला है, उस बुक के एकदम लास्ट में है. देयर आर लॉट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स. लुक एट दिस, कैन यू सी अ वर्ड इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट? हेडिंग दिख रहा क्या? और इंडिपेंडेंट वर्ड हाईलाइट हुआ क्या? नहीं हुआ है. फिर देखो कुछ तो लग रहा है क्या? ओपिनियन वर्ड दिख रहा होगा, दिख रहा है कैसा ओपिनियन? दिख रहा है क्या ओपिनियन? जरा फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ के देखो, मस्त लिखा है. वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और कौन सा वाला फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एसएफएस ऑफ आरआईएल व्हिच इंक्लूड जॉइंट ऑपरेशन. ये सीएफएस नहीं, एसएफएस का ऑडिट है. इन पीएनएल बैलेंस शीट कैन यू सी वर्ड इंक्लूडिंग, कैन यू सी वर्ड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम. ये ओसीआई आता है बिकॉज ऑफ एसओसी. ओसीआई आता है बिकॉज ऑफ एसओसी. अब ये इंडिया से आ रहा है यार, तो मतलब हमको पहला पैराग्राफ समझने मुश्किल होने वाला है.
लिटरली ऐसा होगा, जहां जहां इंडेक्स के रेफरेंसेस आएंगे बहुत टफ है। मतलब अब तुम ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं इंडेक्स पढ़ाएगा बैठ के, मेरा अपना सिलेबस ही खत्म नहीं होगा मेरे से, किसी और का इम्पॉसिबल है। तो ठीक है, बॉटम लाइन, कैन यू सी स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूडिंग, कैन यू सी वर्ड समरी ऑफ, चलो कम से कम आज एक नया वर्ड तो सीखा था, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसी। किसके अंदर आता है वो? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता है। मतलब हमने ऑडिट किया है, इतनी सी बात है यार, इतना सारा लिखा, क्या बोलना चाहिए? वी हैव ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फुल स्टॉप। अरे वो एक्सपेंड करके बता रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या है, किस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया है, पीरियड कौन सा है। जितना ज्यादा डिटेल में स्पेसिफाई कर रहा है उतना अच्छा है, समझा क्या? अब रो मत, वापस आएंगे रिपोर्ट पे। बच्चे ने क्या बोला, अज्यूम करो प्रीवियस ईयर का ही रिपोर्ट है, प्रीवियस ईयर का ये रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट ले लो, इसके हिसाब से ये रिपोर्ट को पढ़ लो और इसके हिसाब से ऑडिट कर लो, बराबर है ना? अरे बराबर है ना भाई? उस बच्चे ने यही बोला ना, प्रीवियस ईयर का रिपोर्ट पढ़ लो और ऑडिट हो जाएगा। उस प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी नहीं मिलेंगे। बच्चों तुमने एक नोट लिखा था, नोटबुक, एक नोट लिखा था, पढ़ो जरा नोट क्या लिखा है। ऑडिट रिपोर्ट इज नॉट अ पार्ट ऑफ, सो व्हेन आई रीड ऑडिट रिपोर्ट डज दैट मीन उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है? नहीं। तो उसका जो लॉजिक है घटिया है कि प्रीवियस ईयर की रिपोर्ट निकालो, सब कुछ नहीं मिलेगा उसमें। तुम्हें बाद में समझ में आएगा इतना पढ़ने के बाद में, ऑडिट रिपोर्ट में तो एक्चुअली कुछ होता ही नहीं था। क्या मजाक करो सर, पहले कुछ होता ही नहीं था, बहुत लिमिटेड कंटेंट था। अब तो ऑडिट रिपोर्ट थोड़ा चेंज हुआ है, थोड़ा बेहतर बना है, उस सिलेबस तुम्हारा चेंज हुआ, वैसे रिपोर्ट भी चेंज होता है, स्टैंडर्ड्स में भी रिविजन आता है। वो स्टैंडर्ड्स में जब रिविजन आया तब नया रिपोर्ट थोड़ा बेहतर है, उसमें एटलीस्ट कुछ पार्ट है जो प्रीवियस नंबर्स आपको दिखाएंगे, बट रिपोर्ट देखने से ऑडिट का शुरुआत नहीं होता है। अच्छा एक बात सोचो, 1500 आदमी लास्ट ईयर कंपनी का ऑडिट ही नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? कंपनी का इनकॉर्पोरेशन ही सल हुआ है। तो तू सोच रहा होगा सिमिलर इंडस्ट्री में कोई दूसरा बिजनेस रहेगा उसका अच्छा रुको ना, हाँ उस कंपनी से पॉलिसीज पूछेंगे, तो अभी भी पूछ ले, आर्ग्यूमेंट करता है सर स्टेप्स ऐसे नहीं होते हैं, आपको थोड़ा फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा। लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल एग्जांपल, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू प्रैक्टिस आफ्टर क्वालिफिकेशन? अच्छा आपको पता है ना क्या कर सकते हो सीए बनने के बाद? यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सीओपी, व्हाट इज सीओपी? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, बराबर है ना? You can either apply for COP, that means you start your own practice, or you can continue as a CA in service. आप job कर सकते हो। You can start your own business, that means you are a member of the institute, but you are not in business, not in service. और कुछ भी कर सकते हो। अभी assume करो, आप में से कितने लोगों को qualify होने के बाद में practice करना है? Raise your hands. How many of you want to practice after qualification? अरे वाह, good number of people. खड़ा हो जा बेटा तू। विराज सीए बन गया, अरे हो गया, आगे काम की बात पे। अरे डोंट बिहेव, डोंट मिसबिहेव, जानबूझ के बोला मैंने। अच्छा मिस्टर विराज, यू नो क्वालिफाई एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट हिज ओन प्रैक्टिस, इनिशियल क्लाइंट्स कहां से लेके आएगा? मतलब स्टार्टिंग वाले क्लाइंट्स कहां से लेके आएगा ना भाई? अरे तुमसे पूछा है, तुम काय को डिस्कशन कर रहे हो? हाँ I want complete silence. From relatives or friends. Useless fellow. अभी independent word पढ़ाया। अरे relatives आपके independence को impact करेंगे। सर ऊपर में friend तो नहीं आता ना, वो law में friend word covered नहीं है ना। और कहाँ से लाएगा client? Pamphlet बना सकते क्या, prestige point जैसे?
ऐसा सुंदर पैम्पलेट बनाने का, होर्डिंग लगाने का, बड़े बड़े जितना बड़ा बड़ा होर्डिंग है सब ले लेने का, ऐसा कर सकता क्या आसपास से? तो मल्टीपल फीचर्स लिखने का, अपना ही बात कर रहे हैं हम। कैन यू मेक अ पैम्पलेट न्यू सी इन टाउन? मेरे को हमेशा आइडिया अच्छा लगता है, न्यू सी इन टाउन एंड प्रोवाइडिंग कॉम्बो सर्विसेज, स्टैट्यूटरी ऑडिट इज टैक्स ऑडिट फ्री, जीएसटी कंप्लाइंस विल ऑल्सो भी टेकन केयर ऑफ। तो पैम्फलेट बनाने का, सबको न्यूज़पेपर साथ में चिपका के, जब 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 घर में। कैन यू डू दैट? नहीं तो फिर कैसे लेके आएगा? ऑनेस्ट, अबे मजाक छोड़ दो, सच्ची में बता, अगर एक्चुअली में प्रैक्टिस शुरू किया स्टार्टिंग फेज में, क्लाइंट्स को कैसे कन्विंस करेगा? बैठ जा, कोई बात नहीं, इट्स गोइंग टू बी टफ, जोक्स अपार्ट, इट्स वेरी इजी टू से आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस, वेरी टफ टू एक्चुअली स्टार्ट एंड स्टैब्लिश अ प्रैक्टिस। एनी थिंग यू डू ऑन योर ओन इज ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी चैलेंजिंग इन बिजनेस वर्ल्ड। प्रैक्टिस आप जब करने जाएंगे, जस्ट इमेजिन नो, देर आर सम पीपल हु हैव स्टार्टेड द प्रैक्टिस 5 ईयर्स बैक, 10 ईयर्स बैक, 15 ईयर्स बैक, वो लोग ऑलरेडी कितने आगे होंगे आपसे इस रेस में। डोंट यू थिंक इट्स गोइंग टू बी टफ गेटिंग दोज क्लाइंट्स? इसीलिए ऐसा बोलते हैं, एट अ वेरी यंग एज यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर नेटवर्किंग स्किल्स। आप जब आर्टिकलशिप में काम कर रहे हैं, अच्छा सुनो, ऐसा मत देखो, अभी तुम दिमाग में सोच रहा होगा कि मैं आर्टिकलशिप में ही ना ऐसे क्लाइंट को पहले से कन्विंस करके रखेगा, जैसे ही मैं सीए हुआ पहला कॉल तेरे को ही आने वाला है। कितने लोग ऐसा सोच रहे हैं? बी ऑनेस्ट कि सर सबसे पहले अपना जो प्रिंसिपल है उसका क्लाइंट ही छीन लेने का। कैसे हो यार, जहां से सब सीखा है। मैं ऑनेस्टली इस चीज को रेस्पेक्ट नहीं करता, नहीं करना चाहिए, और ये अलाउड भी नहीं है बाय द वे। सुनो, आईसीए अलाउड नहीं करता है। क्या बात कर रहे हो, आईसीए के रूल्स बहुत डेंजरस है, तुमको मजाक लग रहा है अभी? आईसीए ने क्वेश्चन पूछा था सीए फाइनल में, बहुत पुराना क्वेश्चन है, ओल्ड सिलेबस या उस, हाँ ओल्ड टू ओल्ड। दो दोस्त क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट डिनर करने बाहर जाते हैं, ठीक है, एंड लेट्स से एक का फ्रेंड, सॉरी एक का क्लाइंट वहां उनको मिलता है, वो उस क्लाइंट को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करते हैं। सो टू चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ए एंड बी गो आउट फॉर डिनर। क्यों जा रहे हैं, काहे को दिमाग लगाने का, इंपॉर्टेंट है गोइंग आउट फॉर डिनर। ए का क्लाइंट वहां मिलता है, ए ने उस क्लाइंट को बी से इंट्रोड्यूस करवाया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो ए का क्लाइंट नहीं रहा, बी का क्लाइंट बन गया। बात समझ में आया ना, क्या ये एथिकली अलाउड है कि नहीं है? इट इज नॉट अलाउड। आपको उससे, आपने सुना होगा एनओसी लेना पड़ेगा, सुना है क्या वर्ड, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये तो क्लियर ऑब्जेक्शन है, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग दिस। इतना आसान नहीं है जितना आप सोच रहे हो कि फ्रेंड्स रिलेटिव्स ये वो, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी टफ जर्नी। रादर दूसरा तरीका सुनेगा, लॉ बोलता है अगर आप कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर हो, अकाउंटिंग नहीं कर सकते हो, इंटरनल ऑडिट नहीं कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सर्विस नहीं प्रोवाइड, एनी अदर सर्विस नॉट अलाउड, सिर्फ आप ऑडिट ही कर सकते हो, स्टैट्यूटरी ऑडिट हो गया, टैक्स ऑडिट हो गया, और कॉस्ट ऑडिट भी अलाउड नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आई एम नॉट आस्किंग यू, आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, सेम कंपनी का कॉस्ट ऑडिट नहीं कर सकता हूं, यू नो दिस, आई एम टेलिंग यू। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि 148 मना करता है, 144 में कॉस्ट ऑडिट नहीं लिखा है, 148 में लिखा हुआ है ये चीज अभी के लिए। एक काम करो ना, आर्टिकलशिप के दौरान अच्छा नेटवर्किंग स्किल्स बनाओ, क्लाइंट्स को क्या बोलो, हैव अ गुड रेपो विद देम। हर क्लाइंट के पास में कोई ना कोई अकाउंटिंग प्रॉब्लम, टीडीएस प्रॉब्लम, जीएसटी प्रॉब्लम आते रहता है, एवरीडे लाइफ है। ऑडिट नहीं तो दूसरा काम तो मिल सकता है, वो काम तो आपका प्रिंसिपल वैसे भी नहीं कर सकता है 144। अरे बराबर है कि नहीं है? अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो आपने प्यार से बोलना चाहिए, सर लॉ के अंदर एक सेक्शन है 144, पनिशमेंट 147 में दिया है। अरे इतना इतना तो प्यार से बोल सकते हो ना, तो सर आप ऑडिट करते रहो, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, और मैं बाकी सर्विस प्रोवाइड करता हूं, बाकी सर्विस के लिए रोटेशन भी एप्लीकेबल नहीं है। अरे दिस इज हाउ प्रैक्टिस स्टार्ट स्लोली स्लोली, यू विल नॉट गेट, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना मैं बजाज फाइनेंस के बाहर जाके बोलेगा आई विल डू ऑडिट नेक्स्ट ईयर, दिस
दिस इज नॉट हाउ इट स्टार्ट्स. आपको अपना रेपुटेशन बिल्ड करना पड़ेगा, मार्केट में आपका नाम होना चाहिए. उसके लिए आपको क्लाइंटल बिल्ड करके उन्हें अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी. इफ यू आर अ क्वालिफाइड सीए, ऑडिटिंग इज नॉट द ओनली सर्विस दैट यू कैन प्रोवाइड. यू कैन प्रोवाइड एन नंबर ऑफ अदर सर्विसेज ऑल्सो, लाइक फॉर एग्जाम्पल इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी सर्विस भी होता है. ये सब 144 में आता है, मतलब उस केस में आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते हो, बट बाकी काम तो कर सकते हो ना यार. अच्छा सुनो, शुरुआत 144 से किया, 5 साल के बाद में तुम्हारा प्रिंसिपल का रोटेशन हो गया. अरे बराबर है कि नहीं है? तो इस बार में ये सब छोड़ करके कैन आई एक्सेप्ट द स्टैट्यूटरी ऑडिट नाउ? फिर तुम्हारा जो आर्टिकल रहेगा वो 144 में चले जाएगा. अरे दैट्स हाउ साइकिल वर्क्स. नेटवर्किंग बहुत एसेंशियल है, आप समझिए. क्योंकि इनिशियली आप जो सोच रहे ना, रिलेटिव का कॉल करूंगा, फ्रेंड का कॉल कर, कोई ट्रस्ट नहीं करता डे वन पे, बिकॉज देखो ना, शेयर देयर इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल नंबर्स विथ यू. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इट्स गोइंग टू बी लिटिल चैलेंजिंग. तो सर नॉर्मली क्लाइंट्स को स्टार्टिंग फेज में कन्विंस करना काफी मुश्किल होता है, तो सर आपको थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा. अब आप एक काम कीजिए, नोटबुक में जाइए, अंडर स्टेप्स लिखिए, स्टेप नंबर 1, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज बिजनेस. Write down number 1, understanding the entity's business and its environment. Understanding the entity's business and its environment. Understanding the entity's business and its environment. क्या मतलब है इसका बच्चों? Hear me out. मान लीजिए अगर मैं विराज के पास, विराज दुखी हो गया था, उसको क्लाइंट नहीं मिला था. Let's say I run a small manufacturing business. Example ले लीजिए, I run a small manufacturing business. क्या चीज़ का manufacturing? तुमको नहीं बताऊंगा, manufacturing है. मैं विराज के पास में गया कि काम कर, now you are a qualified chartered accountant, you have a certificate of practice, एक काम करो मेरे कंपनी का ऑडिट कर दो. अब विराज का इनिशियल फेज है, क्या ये आपका ऑडिट एक्सेप्ट कर लेगा? एक्चुअली में नहीं करना चाहिए, पहले क्वेश्चंस पूछने चाहिए. You should not accept the engagement as it is जो सामने आया आपके. हो सकता है मैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, विराज ने कभी फार्मा इंडस्ट्री में काम ही नहीं किया. मैं इंश्योरेंस बिजनेस में हूं, उसको आइडिया नहीं होगा इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में. या मैं एनबीएफसी रन कर रहा हूं छोटा सा, उसको एनबीएफसी के लॉज ही नहीं पता. सर वो क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट. अरे बराबर है, समझो, एग्जाम पास करना इज वन थिंग, हैविंग अ गुड इंडस्ट्री नॉलेज इज अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर, दैट रिक्वायर्स ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. आई यू अंडरस्टैंड? आई एम सॉरी, आई एम नॉट डिफेमिंग एनीथिंग, आई एम टेलिंग यू. एक तो फ्रेमवर्क है एग्जाम का, एक है आपका लाइफ टाइम का एक्सपीरियंस, दोनों कंपेरेबल नहीं है. अरे बच्चों दोनों कंपेरेबल मतलब सुनो, आपको ऑडिट में 80 मार्क आया, इसका मतलब ये नहीं है तुम आरएल का ऑडिटर नेक्स्ट डे बन सकता है. डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? मेरे को 20 साल पहले 40 मार्क आया, फिर भी मैं आरएल की ऑडिट रिपोर्ट पर साइन कर सकता है. दोनों सेंटेंस बहुत पावरफुल है, ध्यान रखना. वापस से, मेरे को 80 आया, रैंक पे नहीं जाता हूं, शुरुआत मार्क्स से. मेरे को 80 आया, इसका मतलब ही नहीं तेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग कैपेबिलिटी आरएल की रिपोर्ट पे साइन करने का. और तेरे पास अगर 20 साल का एक्सपीरियंस और सिर्फ 40 भी आया या डॉट 50% पे पास हो गया, तब भी तू इनएलिजिबल नहीं है आरएल की रिपोर्ट पे साइन करने से. एक्सपीरियंस विल चेंज एवरीथिंग. And I really mean that. I really, really mean that. अगर आपको थोड़ा बुरा लगा तो I'm sorry. ये reality है, आपको पता होनी चाहिए. वापस से, जब मेरे पास कोई client आ रहा है, आपने directly उसको accept करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, पहले समझना चाहिए client किस industry से belong करता है, मेरे को वो धंधा भी समझता है क्या. क्योंकि आप जब उस report पे sign करेंगे, do not forget, कौन rely करने वाला है उस पे? Users. कौन rely करने वाला है? यूजर्स का. वो हार्ड अर्न्ड मनी होगा लाइफ का पूरा और वो तुम्हारी रिपोर्ट के बेसिस पे रिलाई करेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? आई होप तुम समझ रहे हैं मेरा बात. तो कैन आई से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत छोटा नहीं है. आप ये मत सोचिएगा सिर्फ साइन किया पैसा मिला काम खत्म. नो, वो सिग्नेचर के पहले का जो प्रोसेस है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट देन द साइन. साइन विल बिकम अ डिजिटल साइन, रिमेंबर दैट. फोकस ऑन द प्रोसेस कि तुमने ऑडिट ढंग से किया है क्या. इसके लिए मेरे को उसका धंधा समझता है क्या. फॉर एग्जाम्पल तुमको आज लगता है यू आर इन्वेस्टिंग इन आरआईएल. डू यू नो आरआईएल कितने इंडस्ट्री में काम करता है? रिलायंस इज इन रिटेल बिजनेस, रिलायंस इज इन जियो बिजनेस. आप बोलेंगे जियो का तो अलग लिस्टिंग हुआ है. नहीं, जियो फाइनेंशियल का हुआ है, जियो अलग है.
वो अभी भी आरआईएल में आता है, समझा क्या मेरा बात? व्हेन आई बाय अ रिलायंस का शेयर, आई एम बाइंग अ इन्वेस्टमेंट इन अ रिटेल बिजनेस, आई एम बाइंग अ इन्वेस्टमेंट इन जियो बिजनेस, आई एम बाइंग अ इन्वेस्टमेंट इन पेट्रोकेमिकल बिजनेस, आई एम बाइंग अ इन्वेस्टमेंट इन योर एंटरटेनमेंट एंड यू नो न्यूज चैनल वाला एरिया, क्योंकि वो हर बिजनेस के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। वो समझ रहा है क्या मेरा बात? मतलब आपके शेयर होल्डर के पास में शायद लिमिटेड नॉलेज रहेगा, बट आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आपको ये सब पता होना चाहिए। इसीलिए रैंडमली कोई बिजनेस आया फर्स्ट डे, मैंने उसका ऑडिट एक्सेप्ट कर लिया, दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स। एक्सेप्टेंस बाद का बात है, पहला स्टेप होता है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटीज बिजनेस एंड इट्स एनवायरमेंट। सामने वाले का बिजनेस क्या है, कौन से इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, कितने साल से इस बिजनेस के अंदर है, इस धंधे में मेजर इन्वेस्टर कौन है, पैसा कहां से आया है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है या नहीं है। अच्छा, लॉस मेकिंग बिजनेस है इसलिए ऑडिट नहीं लूंगा, यह भी लॉजिक गलत है। अरे बट प्रॉफिट लॉस कितना वॉलेटाइल है यह जानना जरूरी है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस वॉलेटाइल होना कैन बी ए इंडिकेशन मैनेजमेंट मैन्युपुलेट करता होगा। और सुना क्या, मैन्युपुलेशन बाय मैनेजमेंट, इट्स अ एग्जांपल ऑफ फ्रॉड। अरे हाँ या ना, सब सोचना पड़ेगा। आपको लग रहा है क्लाइंट आया, ऑडिट एक्सेप्ट किया, नो बेटा, दिस इज नॉट दैट स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टेप नंबर वन इज अ वेरी पावरफुल स्टेप। पहले मुझे ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए सामने वाले का धंधा बढ़िया है, फिर मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस होने चाहिए कि मुझे उसका बिजनेस समझता है, मुझे वो इंडस्ट्री के लॉज एंड रेगुलेशन पता है, मेरे पास अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर हाँ, तो हम स्टेप नंबर टू पे जाएंगे। इस स्टेप नंबर वन क्लियर टू यू? राइट डाउन स्टेप नंबर टू, agreeing the terms of engagement. Number two, agreeing the terms of engagement. Agree करेंगे terms of engagement. Agreeing the terms of engagement. एक word है engagement terms. क्या word है बच्चों? Engagement terms मतलब engagement here is a reference of a contract. जब हमने बोला कि भाई आपके कंपनी का हम ऑडिट करेंगे, मतलब हमने आपका एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया है। क्या कर लिया है? एंगेज। इसके लिए आपको एक लेटर बनाना पड़ता है, उसको बोलते हैं एंगेजमेंट लेटर। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगेजमेंट लेटर। ये एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या आएगा, टर्म्स क्या क्या होते हैं, कौन प्रिपेयर करता है, कौन रिव्यू करता है, कौन साइन करता है, सब कुछ पढ़ाएंगे, आगे डिटेल में आएगा। मतलब ये स्टेप से पहले स्टेप कौन सा है? अंडरस्टैंडिंग। अगर वो बिजनेस समझ में नहीं आया, उस पर कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो आपने एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए। अगर बिजनेस समझ में आया, तो स्टेप नंबर टू क्या हो सकता है? एंगेजमेंट टर्म्स को आप अग्री कर सकते हैं। डिटेल में कल पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस। स्टेप वन एंड टू क्लियर टू यू? स्टेप वन एंड टू क्लियर टू यू? मेजोरिटी बुक्स में पहले दो स्टेप मिलेंगे ही नहीं। मेजोरिटी बुक में ऑडिट शुरू होता है यहां से, प्लान इंप्लीमेंट रिपोर्ट। बट डोंट यू थिंक बिफोर प्लानिंग कम्स योर एंगेजमेंट टर्म्स, एंड बिफोर दैट इट्स द इंपॉर्टेंट पार्ट, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस। रियलिटी में ये दोनों स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बुक्स में ऑथर्स नॉर्मली तीन ही स्टेप लिखते हैं, कौन कौन सा? प्लान कीजिए, प्लान को इंप्लीमेंट कीजिए, और इंप्लीमेंट करने के बाद रिपोर्ट बना के दे दीजिए। अगले तीन स्टेप टाइम पास है। देखो नंबर थ्री, ऑडिट प्लानिंग। नंबर थ्री, ऑडिट प्लानिंग। नंबर फोर, execution or implementation of plan. Number three, audit planning. Number four, execution or implementation of audit plan. Execution or implementation of audit plan. Obviously, आप अच्छे से plan बनाएंगे, plan को execute करेंगे, और last में सब होने के बाद क्या दे देंगे? Report. Write down step number five. Audit reporting and conclusions. Audit reporting and conclusions. Audit reporting and conclusions. क्या ना ऐसे पांचों स्टेप्स आसान लग रहे हैं? यही एक्चुअली पूरा ऑडिट है। मतलब पांच स्टेप्स अगर आपको समझ में आए, पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा। इसके अलावा सब्जेक्ट में कुछ भी नहीं है, बड़े पांच स्टेप्स खत्म ही नहीं होंगे। इतना आसान है बोलना, बहुत आसान है पांच स्टेप को लिख देना, बहुत चैलेंजिंग है इसे खत्म करना। अभी अगले 10 मिनट के लिए मेरा बात शांति से सुनिए, इसी चीज को पिक करके कल हम डिटेल में कंटिन्यू करेंगे। अब कुछ थोड़े से स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जो
जो फर्स्ट डे मैंने आपको दे देने चाहिए। बीच में आगे ताना मार मार के रिपीट करते जाऊंगा, थोड़े बहुत तो टॉन मारूंगा ही मैं भी। फन मैं सोचो ना, मेरा सोचो, सेम चीज पढ़ा रहे हैं 11 साल हो गए, स्टेप्स थोड़ी चेंज हुए आज तक दुनिया के अंदर, और मैं भी तो बोर हो जाएगा ना लाइफ में। सो फॉर माई एंटरटेनमेंट आई ट्रबल यू, डोंट टेक इट टू योर हार्ट, इट्स अ जोक। चलिए एवरीवन, फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स हियर मी आउट केयरफुली, ये जनरल इंस्ट्रक्शन है बच्चों, मेजोरिटी चीजें आपको पता रहेगी, कुछ कुछ नए एस्पेक्ट्स रहेंगे जो आपको पहले ही दिन गाइडेंस के फॉर्म में दे देता हूँ। सबसे पहले ऑब्वियसली योर सब्जेक्ट इज कॉल्ड एज ऑडिटिंग एंड एथिक्स, इट्स फॉर 100 मार्क्स। पेपर पैटर्न पहले अलग था, नए सिलेबस में अब हम कन्फर्म बोल सकते हैं बदल गया है। जब तक मैंने पेपर देखा नहीं उसके पहले मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, पेपर देखने के बाद अब मैं 100% श्योर हूँ पैटर्न बदल चुका है। बदल चुका है मतलब 30 मार्क का MCQ पहले भी था बच्चों, बट पहले ना इसके साथ साथ में एक कॉन्सेप्ट था करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस का। क्या था करेक्ट, आपको ट्रू फॉल्स होते हैं ना, वो ऑडिट में आते थे 14 मार्क्स बहुत सालों तक, मतलब आई थिंक मैं तो लास्ट 2016 से उनको देख रहा हूँ, 2016 से लेकर के 2023 नवंबर वहां तक उन्होंने हर एग्जाम में करेक्ट इनकरेक्ट पूछे। अब उन्होंने वो करेक्ट इनकरेक्ट हटा दिया है, तो अब उन्होंने वो 14 मार्क्स भी इनडायरेक्टली कहाँ ऐड कर दिया है, इस 70 मार्क्स में। मतलब पहले था 30 मार्क्स का MCQ, 14 करेक्ट इनकरेक्ट एंड 56 मार्क्स का थियरी वाला पार्ट था, अब उन्होंने उसको चेंज कर दिया है, 30 इज MCQ, 70 मार्क्स इज योर डिस्क्रिप्टिव पेपर, 70 मार्क्स इज योर डिस्क्रिप्टिव पेपर। क्यों चेंज कर दिया उसके बारे में नहीं बोल सकते, मतलब मैंने वो कमिटी का वीडियो सुना YouTube पे, उन्होंने इसको अनाउंस किया, आई हर्ड देम, उन्होंने बोला ऐसा है, यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट, उन्होंने ऐसा नहीं बताया ये पहले हमने ऐसा क्यों किया अब ऐसा नहीं करने वाला, उन्होंने बोला ऐसा है, तो मैं आपको बोलता हूँ ऐसा है। तो अच्छा है बुरा है सब्जेक्टिव है, पहले भी सेम पढ़ना था अब भी सेम पढ़ना है, आंसर लिखने का बस तरीका थोड़ा बदल जाएगा, पहले 2-2 मार्क के क्वेश्चन थे अब 4-4 मार्क के आएंगे, कोई ऐसा मेजर फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो उस चीज को दिमाग से निकाल दो। मतलब सब क्लियर है, 30 मार्क्स MCQ, 70 मार्क्स इज गोइंग टू बी डिस्क्रिप्टिव, हियर मी आउट केयरफुली। ये जो MCQ वाला पार्ट है सबसे मजेदार पार्ट यही है, दिस विल टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट। और वो ना ऐसा मत सोचना जैसे अभी तुम अकाउंट से सोचता ना सिर्फ AS2 पे क्वेश्चन आएगा, अकाउंट्स में ऐसा होता है, कहीं कहीं पे कॉम्बिनेशन होता है, ऑडिट में केस स्टडी आएगी, वो केस स्टडी में 50 चीज रहेगी और उसके ऊपर जनरल क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आपको सब कुछ आना चाहिए वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। बहुत रेयरली होता है एक टॉपिक के ऊपर ही केस स्टडी बनाया हो, बिकॉज उस टॉपिक का वेटेज मैच नहीं होगा, योर वेटेज इज एलोकेशन विद द एंटायर चैप्टर, सो फॉर एंटायर चैप्टर दे मे क्रिएट वन केस स्टडी, फॉर एंटायर चैप्टर दे मे क्रिएट वन केस। अब उस चैप्टर में तो 15 टॉपिक हो सकते हैं, तो 15 टॉपिक का कॉम्बिनेशन रहेगा, इट विल बी अ मिक्स्ड कैटेगरी ऑफ केस स्टडी जो डायरेक्टली आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे अगर आपका कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इसीलिए 30 मार्क के MCQ के लिए अकॉर्डिंग टू मी एक ही चीज करने की जरूरत है, ओनली एंड ओनली वन थिंग, बहुत ज्यादा अच्छा अंडरस्टैंडिंग। अच्छा MCQ पहली बार नहीं आ रहा है, ओल्ड सिलेबस में भी 30 मार्क का MCQ सेम ही था, इसमें कोई चेंज नहीं है, ये आज तक ऐसा ही चलते आया है इन ऑडिटिंग स्पेसिफिकली, इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इट इज न्यू, अरे इन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट इट इज न्यू, बट फॉर अ थियरी सब्जेक्ट इट इज ऑलवेज लाइक दैट, ऑडिट में तो हमेशा से 30 मार्क का MCQ आता ही था सिंस दी ओल्ड सिलेबस ऑल्सो। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपने क्लास ढंग से सुनना है, ढंग से जो नोट्स लिखाए जा रहे हैं वो लिखने हैं, कुछ आपको फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली होमवर्क क्वेश्चंस मिलेंगे जो पक्का छोड़ के आएंगे। आज तक का हिस्ट्री है ये, एवरेज पेपर में कम से कम 10 से 15 मार्क के वो क्वेश्चन आते हैं जो मेरे होमवर्क क्वेश्चन होते हैं, ऐसा होता है। अब ये फॉर्चुनेट है अनफॉर्चुनेट है मुझे नहीं पता, हर बार ऐसा होता है जो मुझे लगता है ये बहुत आसान है छोड़ देता हूँ मैं, वो होमवर्क पे देता हूँ मैं, उधर ही भी एग्जाम पे क्वेश्चन आता है, मेरा कोई प्लानिंग नहीं होता है, जजमेंट होता है, जो वैसा देखो तो परफेक्ट है वैसा देखो तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि परफेक्ट मतलब एटलीस्ट कम से कम तेरे नोटबुक में है अगर तूने होमवर्क किया है तो। इसीलिए बोल रहा हूँ जब जब होमवर्क क्वेश्चन मिलेगा मेरे को नोटबुक में ब्लैंक स्पेस नहीं चाहिए, मैं एक ब्लैंक स्पेस छोड़ने के लिए बोलूंगा कंपलसरी, ये इधर होमवर्क क्वेश्चन ऐसा लिखने का है और स्पेस छोड़ने के लिए बोलूंगा, ब्लैंक स्पेस नहीं मिलना चाहिए,
मैं बैठ के एक एक नोटबुक चेक करने वाला नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. यू आर एडल्ट्स एंड मैच्योर्ड इनफ, यू आर सिटिंग इन ग्रुप टू, दैट मीन्स यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट राइटिंग एंटायर इंटर. एम आई एज्यूमिंग राइट? इतना सिंसियरिटी मेच्योरिटी तुम्हारे पास में है, मैंने होमवर्क दिया है समझा है तो तुम लिखोगे पक्का. इसीलिए वापस मेरे को स्कूल जैसे चेकिंग करना पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक इट. हाँ, घूमते घूमते कर दिख गया कि ब्लैंक स्पेस है, बराबर है, ताना जरूर मारूंगा. और आपको बोल रहा हूं बार बार, जितना ब्लैंक स्पेस छोड़ोगे उतना तुम रिस्क तुम्हारे एग्जाम के लिए बढ़ा लोगे. क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कुछ भी हो जाए, भले मैं अगले क्वेश्चन इस बार नए वाले क्वेश्चन दे दूंगा, पर उधर एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन वैसा आएगा जो मैंने होमवर्क में तुमको दिया है. ये मैं तुमको बोल रहा हूँ. इज दैट क्लियर टू यू? 30 मार्क के एमसीक्यू के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, बढ़िया से पढ़ाई करना है मेरे साथ में. आपका कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और आपको रियलाइज होगा इफ आई अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट दिस इज एक्चुअली अ केक वॉक. दिस इज गोइंग टू बी द इजीएस्ट पार्ट अकॉर्डिंग टू मी, ऑल्दो इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट. क्योंकि इधर एप्लीकेशन है, मतलब किधर से भी कुछ भी आता है, सबसे डिफिकल्ट चीज ये है. पर मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे आसान ये होगी, आई एम डैम श्योर. मेरे को कोई डाउट ही नहीं है उसके लिए, क्योंकि मेरे को पता है तुम अगर सुन लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा. इज दैट क्लियर टू यू? हाँ या ना? कुछ एमसीक्यू के टेस्ट लेंगे जो तुम दोगे नहीं. मैंने ग्रुप वन में आपका अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड देखा है. जी, मैं अगर ग्रुप पे कुछ लिख नहीं रहे पर क्या हो रहा है ये मेरे को पता चलता है. मैं थोड़ा शांत आदमी है, मैं दूर से ऑब्जर्व करते रहता है. तो बहुत बहुत ही बढ़िया ट्रैक रिकॉर्ड देखा है मैंने ग्रुप वन के अंदर एमसीक्यू के पेपर्स का. अगर वैसा किया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपके ही लिए है ताकि आपको क्लास के बाद में जेन्युइनली इस 30 मार्क्स के लिए स्ट्रेस ना लेना पड़े. इसका आपका टेस्टिंग ड्यूरिंग द क्लास इट्सेल्फ इतना हो जाना चाहिए कि मेरे को समझ में आ गया, मैंने क्वेश्चंस खुद प्रैक्टिस कर लिए, कुछ क्वेश्चंस मैं भी सॉल्व करा दूंगा. बट मेजॉरिटी इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे डिस्कशन के बाद में कि आपके लिए बहुत आसान होगा. अच्छा, रैंडमली किसी भी दिन टेस्ट होगा एमसीक्यू का, पहले ही बता रहा हूँ आपको मैं. रैंडमली आज बोला तुमको आज शाम को टेस्ट देने का है, इट्स गोइंग टू बी 15-20 मिनट्स मैक्सिमम मैक्सिमम. क्योंकि वो टॉपिक के ऊपर मैं एक केस स्टडी ज्यादा बना ही नहीं पाऊंगा. अरे सबका वेटेज होता है, अंडरस्टैंड दिस. सो आई विल जस्ट पुल वन केस स्टडी रिलेटेड टू 2-3 टॉपिक्स. उसमें 5 क्वेश्चन रहेंगे, 7 क्वेश्चन रहेंगे, 10 क्वेश्चन के बियॉन्ड क्वेश्चन ही नहीं होंगे. और ऑब्जेक्टिव इज नॉट कि मैंने एक बार में 100 सॉल्व किए, या मैंने 10 बार में 10-10 अच्छे सॉल्व करके सारा एरिया कवर कर लिया. इससे मुझे हर कैटेगरी ऑफ केस स्टडी में कंफर्ट आ गया. इज दैट क्लियर टू यू? इसके लिए आप थोड़ा क्लास में मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा. नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट, द 70 मार्क्स. इसके भी दो ब्रॉडर कैटेगरीज है बच्चों. एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चंस, आपको कल एग्जांपल देंगे जब डिस्कशन होगा. ये दर्द भरे होते हैं, इसमें याद करना पड़ता है. बट इनका मेरे हिसाब से अप्रोक्सीमेटली वेटेज मान के चलिए 20-25 मार्क्स का वेटेज होता है. मतलब 70 में से आप मान के चलिए 25 मार्क कैन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस. इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन ही नहीं है. क्वेश्चन पढ़ के पता होगा क्या लिखना है, बस याद होना चाहिए क्या लिखना है. इधर प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इधर. और मेरे को सबसे अच्छा ये लगता है, ये बढ़िया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे. केस स्टडी कैन बी हाफ अ पेज, वन पेज. वो केस स्टडी पढ़ते 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 रियलाइज ही नहीं होगा वो चाहता क्या पूछना. इधर ये सब याद होने के बावजूद भी नहीं पता लिखना क्या, वापस से इधर पता है क्या लिखना. याद रहना चाहिए, इधर पहले पता होना चाहिए लिखना क्या है. कितना भी याद करो कोई फायदा नहीं है. इसलिए बता रहा हूं ये वाले सारे जो क्वेश्चंस हैं बहुत डेंजरस रहने वाले हैं. ये सारे क्वेश्चंस के लिए आपको बहुत ज्यादा, बहुत मतलब आई रिपीट, बहुत मतलब बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए. कोई भी स्टैंडर्ड के मिडिल से सिचुएशन उठाएगा और आपको पता होना चाहिए सिचुएशन उस स्टैंडर्ड से ही रिलेटेड है. आगे आने वाले कुछ 15-20 दिन में ऐसे कुछ 4-5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो सबसे डेंजरस वाले रहेंगे. डायरेक्ट क्वेश्चंस स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई विल शो यू द क्वेश्चन, आपको समझ जाएगा. मेजॉरिटी होमवर्क क्वेश्चंस ये होंगे जिधर दिमाग की एप्लीकेबिलिटी बहुत कम है. ये सारे क्वेश्चंस क्लास में ही होंगे जहां मेरे को पता है आपको एक्चुअली में सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा. और आपको पता होना चाहिए कि अगली बार ऐसा क्वेश्चन अगर आया तो मैंने क्या थॉट प्रोसेस से उस आंसर तक अराइव करना चाहिए. बट देखो ओवरऑल लेवल पर अगर आपको बोलूं, इफ यू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट पेपर इज नॉट चैलेंजिंग. एंड अगेन ऑन द फर्स्ट डे आई एम टेलिंग यू दिस, शायद आप में से कुछ लोग को ठीक लगेगा नहीं लगेगा, मेरे हिसाब से थ्योरी पेपर है.
सब बढ़िया से पढ़ के जाएंगे, जितना रेलेवेंट है ये पार्ट याद करके जाएंगे, लिख के आएंगे। लैंग्वेज किसी का बहुत बेटर होगा, 10-15 मार्क ज़्यादा जाएगा, किसी का लैंग्वेज थोड़ा वीक रहेगा, 5-10 नंबर कम हो जाएगा। आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आपके मार्क्स से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। एंड आई गिव यू अ लॉजिकल स्टेटमेंट फॉर दिस। ऑल योर बिग फोर्स, PwC, EY, KPMG, Deloitte, डू यू नो इंटर्नशिप इंटरव्यू कब शुरू करते हैं? आपके एग्जाम के बाद या रिजल्ट के पहले? आई रिपीट, दे स्टार्ट हायरिंग पोस्ट योर एग्जाम्स बट बिफोर योर रिजल्ट्स। दैट मीन्स दे डोंट नो एंड इवन यू डोंट नो योर रिजल्ट्स, बट दैट इज व्हेन दे आर डिसाइडिंग दे वांट टू हायर यू और नॉट। ऑन व्हाट बेसिस? प्योरली योर नॉलेज एंड स्किल्स। आई हैव वर्कड इन सम फर्म्स एंड आई एम स्टिल एसोसिएटेड विद लॉट ऑफ ग्रेट फर्म्स। नो वन केयर्स वो कितना नंबर है, वॉट दे केयर इज हाउ पॉलिश्ड यू आर, हाउ गुड इज योर लैंग्वेज, हाउ ग्रेट योर नेटवर्किंग स्किल्स आर, टेक्निकल एक्सपर्टीज बढ़िया है कि नहीं है। ये जेन्युइनली बहुत वैल्यूएबल है, जेन्युइनली। और ये चीज अगर आप अभी से सीख लें तो आपको जेन्युइनली जिंदगी में बहुत फायदा मिलेगा। अब ये नहीं बोलना सर एक काम कर देना पास हो जाते हैं फिर सोच लेंगे, इट डजंट वर्क। व्हाई? पास होने के बाद नौकरी नहीं मिली तो? व्हाट आर यू सेइंग सर? यू आर देयर ऑन सोशल मीडिया, यू रीड इनफ कंटेंट, आई एम श्योर यू नो दैट। आई डोंट हैव टू टेल यू how major unemployment problem is still there in our country, and not just one profession, in lot of professions. You know that, right? You know that, right? We are being very serious and matured here, huh? You're not now class 11th wala bachcha ki main tumhe kuch bhi bolunga to ye karne se aisa ho jayega, bullshit. You know that, right? You're matured now, matlab aapko genuinely mehnat karni padegi. You have to differentiate yourself. Think about this, all of you after writing the exam will equally feel I will pass. And all of you will go for the EY interview. They'll hire only 5. How will you differentiate yourself? Did you understand what I just said? Competition is intense. When I say intense, it is really, really intense. आपको मेहनत बाकी चीजों पे करना है। पास आप हो जाएंगे, आप सिंसियर है, क्लास अटेंड करते हैं, होमवर्क करते हैं, 2-4 बार ढंग से पढ़ लेंगे, 1-8 टेस्ट सीरीज दे देंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है दुनिया भर। अरे यार, जब मैं पढ़ रहा था ना, कोई रिवीजन वीडियो नहीं थे, कोई टेस्ट सीरीज नहीं था, अरे आधे सब्जेक्ट के टीचर भी नहीं थे, और मेरे से पहले 10 साल वाले केस में तो ऑथर की किताब ही होती थी, तब भी लोग पास हो रहे थे ना, तब भी लोग सीए बन रहे थे कि नहीं बन रहे थे। आई एम आस्किंग यू डायरेक्ट क्वेश्चन, यस और नो? तब भी क्वेश्चन तो आईसीआई पेपर बना रहा था कि नहीं बना रहा था, बराबर है ना? क्या कुछ बदल गया क्या? नहीं, ट्रस्ट मी, डोंट बी वरीड अबाउट द प्रोसेस, बी वरीड अबाउट योर माइंडसेट। इफ यू वर्क ऑन इट नाउ एट दिस एज, then you will realize how things will change in 3-5 years for you. We need to pass, there is no doubt about this. वो अपने को मेहनत करना है, अच्छे से पढ़ना है, जो ICAI का expectation है पूरा फुलफिल करना है, उससे compromise नहीं करना है, but साथ साथ में डरना उससे नहीं है, डरना इससे है कि इसके बाद में क्या, उसके लिए आज मेहनत करना है। उस दिन नहीं बोल सकते नहीं कल सुबह इंटरव्यू है। मेजोरिटी बच्चा पता है क्या करता है, सर आज मेरे को EY का कॉल आ गया, कल इंटरव्यू है, क्या पढ़ के जाऊँ? तेरे को लगता है तो एक रात में सब पढ़ लेगा जो तेरे को कल इंटरव्यू में आने वाला है? Such a illogical question, don't you think that? You are under stress, you are nervous, I understand. But think about how illogical you sound. That means I can read all 8 subjects or all 12 subjects before the interview tomorrow morning. What are you talking? You know, it's stupid. I hope you are understanding what I'm saying. So, aap samajhiye, aapka har din ka learning important hai. Har din jo aap seekhenge, wo important hai. Isiliye aap koi bhi class mein, koi bhi lecture mein samay barbaad karne ke bajaye, टीचर का बात सुनिएगा, काम की बात ही बोलेगा, हर टीचर बढ़िया ही बात करता है, उसकी बात सुनो, समझो, अप्लाई करो, उसमें क्या नया सीख सकते हो उतना सोचो। इज दैट क्लियर टू यू? वो आपको बहुत मदद करेगा। कन्फर्म है? लास्ट 2 मिनट्स, आई नो 150 हो गया, 5 मिनट एक्स्ट्रा हो गया आपका। बिफोर यू आस्क मी वन क्वेश्चन 100 times, आई एम गोइंग टू आंसर टुडे ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। सर देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ICAI मॉड्यूल, बराबर है? Do I need to refer to them? No. You can. I don't have any problem. I have copied everything from there. Obviously, yeah. I cannot write anything on my own. I can. मैं बिल्कुल honest आदमी हूँ, तुमको ये बता, तुमको समझ में आ जाएगा first day से। सब उधर से copy किया है, कुछ चीजें छोड़ दी है, तो मुझे लगता है बहुत ही BCom level के examples हैं, मतलब इससे बहुत better example आ सकते हैं। Honestly बताऊँ,
आईसीआई मॉड्यूल अब तो बहुत इंप्रूव हो गया है, पहले आईसीआई के मॉड्यूल में ऑडिट रिपोर्ट्स के एक्सट्रैक्ट्स वगैरह आते ही नहीं थे, अब आने शुरू हुए फाइनली। अब उन्होंने क्वेश्चंस रिपोर्ट में फॉर्मेट कैसा होता है एक पैराग्राफ लिख के दे वो पूछना शुरू किया है, पहले पूछते ही नहीं थे इंटरमीडिएट में। मेरे को हमेशा से लगता था अगर तेरे को कोई भी चीज पढ़नी है वो एक्चुअली के अंदर कैसे दिखती है पहले उसके बारे में डिस्कशन करने का, ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड पे जाने का, धीरे धीरे चीज़ों को कनेक्ट करने का, कल जब शुरुआत करेंगे ऑडिट रिपोर्ट साथ में तुझे समझ में आ जाएगा। इसीलिए ये जो मॉड्यूल मिलने वाला है फर्स्ट मॉड्यूल के पीछे इतने पेजेस जो है ये जो वेस्ट है बहुत सारे लोगों को लगेंगे, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट चाहिए। मतलब इन आर मॉड्यूल नंबर वन इफ यू रियली आस्क मी आउट ऑफ 326 पेजेस यहां से लिटरली 30 पेजेस सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट्स है, सिर्फ ऑडिट रिपोर्ट्स है, स्पाइस जेड आईसीआईसीआई बैंक एचडीएफसी बैंक पता नहीं क्यों, मुझे पता है क्या, क्योंकि मुझे लगता है बैंक ऑडिट पढ़ते वक्त काम में आएगा, मुझे लगता है गोइंग कंसर्न का स्टैंडर्ड पढ़ते वक्त काम में आएगा, मुझे लगता है रिपोर्टिंग का स्टैंडर्ड पढ़ते वक्त काम में आएगा, मुझे पता है हर चीज का रेलेवेंस है, मेरे पास तो सारे रिपोर्ट्स है। सी आपने देखा होगा ये रिपोर्ट होने के बावजूद भी मैं एनुअल रिपोर्ट में गया और तभी अपना आईपैड हैंग हो गया, अभी भी ऐसे ही बिहेव कर रहा है, मुझे समझ में आया वो रिपोर्ट का फॉर्मेट जो मैंने लेके आया वो गलत है, बिकॉज ऑफ दैट देयर इज अ ग्लिच। मतलब बॉटम लाइन ये सारे रिपोर्ट्स तुमको कहाँ से एक्सेस करना पता है, बट द प्रॉब्लम इज एज अ स्टूडेंट यू विल नेवर पुट एन एफर्ट टू डू दैट, इसीलिए वो किताब में होना चाहिए उधर, तो क्या करेगा तू इमीडिएटली उसको दो मिनट देखेगा समझ लेगा वापस चले जाएगा, समझा क्या? तो सिंपल चीज सुनो, मैंने क्या किया आईसीआई मॉड्यूल उठाया पूरा का पूरा एकदम एज इट इज, बस मॉड्यूल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। ऑडिट में कल एक चीज बताएंगे, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। क्या होता है बच्चों? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, इनका वेटेज होता है अप्रोक्सीमेटली 50 to 55%, मतलब आपके पूरे सब्जेक्ट का 50 to 55% वेटेज सिर्फ किसका होता है? स्टैंडर्ड्स। तो मैंने अलग अलग चैप्टर से स्टैंडर्ड्स निकाले, एक सिंगल बुक बनाया फर्स्ट मॉड्यूल, दिस मॉड्यूल इज योर एसए मॉड्यूल, मतलब इसमें सिर्फ आपको क्या मिलने वाले हैं? स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। फिर आपके मॉड्यूल में आईसीआई के अंदर तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, दिखाएंगे आपको 11 चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर का जो बचाव पार्ट है किधर जाएगा? दैट विल गो टू योर मॉड्यूल नंबर टू। मतलब ये दोनों क्या पूरा आईसीआई मॉड्यूल कवर करते हैं? यस 100%, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। एक चीज और, फर्स्ट डे तुम आईसीआई मॉड्यूल निकाल लो, तुम किसी की टीचर का बुक निकाल लो, नो ऑफेंस, तुम्हारे में कैपेबिलिटी नहीं है समझने का कि उसमें क्या है, एम आई राइट? इसलिए तुम यहां बैठे हो, बराबर है कि नहीं है? लॉजिकल है कि नहीं है? तो मेरी बुक में क्या है वो मेरे को पता है, तेरे को मुझे समझाना पड़ेगा। मैं कितना भी बात कर लूं, जब तक मैं ना समझाऊं समझना बहुत मुश्किल है क्या रेलेवेंट है क्या नहीं है। यू बिकम लिटिल मेच्योर्ड, देन वील टॉक, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ऑब्वियसली देन देर इज समथिंग कॉल्ड एज योर क्वेश्चन आंसर बुक, इसमें सारे आपके आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं, प्रीवियस आरटीपी एमटीपी एग्जाम क्वेश्चन सारे के सारे, जो जो रेलेवेंट चैप्टर्स है नए सिलेबस में, ऑल पिक्ड अप टुगेदर, एक सिंगल कंपाइलेशन है, दिस इज योर क्वेश्चन आंसर बुक, छोटा सा किताब है 300 पेज का। लास्ट अटेम्प्ट का आरटीपी एमटीपी है वो भी ऐड कर दिया है, अभी May 24 का आरटीपी एमटीपी था वो ऐड कर दिया है, May 24 का एग्जाम पेपर है वो तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेंगे, पहले तुम केपेबल बनो, वहाँ तक पहुँचेंगे तब डिस्कस करेंगे ना, बराबर है क्या नहीं है? ये तीनों बुक आपको अभी मिलने वाले हैं, दिस इज अवेलेबल, आप नीचे जाइए ऑफिस में और तीनों बुक को कलेक्ट कर लीजिए। इज दैट क्लियर टू यू? बाकी और बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हैं ऐसे, कल आपको 2 मिनट में बता देंगे, आज मेरे को लगता है इट्स एब्सोल्युटली फाइन, थोड़ा मैंने ऑलरेडी 10 मिनट स्ट्रेच कर लिया है आपके लिए। इज दैट गुड गाइस? चलो आई विल सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, चलो बाय। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके लिए कुछ और इंस्ट्रक्शंस रहेंगे जो कल हम लेक्चर के स्टार्टिंग में डिस्कस कर लेंगे इन 5-7 मिनट्स, ताकि आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाए, ठीक है? थैंक यू, बाय बाय।